सर। हाँ जी, कुलदीप सिंह जी परमार, जय माता जी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वंदे मातरम ऑनलाइन क्लासेस की, साइंस की क्लास के अंदर। सभी को गुड आफ्टरनून। वंदे मातरम। प्रियंका जी गुड आफ्टरनून। कोमल जी लक्सार गुड आफ्टरनून। मैना जी गुड आफ्टरनून। ममता जी साहू गुड आफ्टरनून। सौरभ जी गुड आफ्टरनून। खुशबू जी गुड आफ्टरनून। अनिल जी पंचोली, क्लास स्टार्ट करो। बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी क्लास। पूजा जी जहांगीर गुड आफ्टरनून। हाँ, सभी जुड़ जाइए जल्दी से, और जो लिंक है अपने सभी मित्रों को साथियों को शेयर कर दीजिए, और ज्यादा ज्यादा जितने आप जुड़े रहेंगे क्लासों से उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपने सभी साथियों को जोड़ दीजिए जल्दी से, शेयर कर दीजिए लिंक। कुलदीप जी पवार, निवेदन करता हूं कि अपने क्षेत्र के जितने भी साथी हैं, युवा साथी जो तैयारी कर रहे हैं, सभी को जोड़ें ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। हाँ, तो जैसा कि कल थोड़ा अपने को कम टाइम मिला था, कोई अर्जेंट वर्क आ गया था, इसी कारण क्लास अपन थोड़ा कम ले पाए थे। आज जो अपना टॉपिक जो मैं चल रहा है अपना पदार्थ, ये इसकी लास्ट क्लास होगी, और इसके बाद अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा परमाणु। ठीक है, तो वैसे मैं आपको साथ साथ क्लियर करवाता जा रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन मेन है, किस चीज को अपने को याद रखना है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, क्योंकि रिवाइज करने में अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पर्सनल नोट्स बने रहेंगे तैयार, तो आप उसको अच्छे से समझ पाओगे, और लोगों को अपनी भाषा ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे बनाओ, आप बिल्कुल सेम टू सेम जैसे आपकी इच्छा हो। आपको मेरा टारगेट है सिर्फ आपको समझाना। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपनी मर्जी से नोट्स तैयार कर सकते हो। ठीक है, वैसे हमारा प्रयास रहेगा कि हम संस्थान की तरफ से भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, बस आप एक बार हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, प्रोसेस पूरी है, पूरा रहेगा हमारा सहयोग आपके साथ। चलो, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सभी, लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। हाँ, और कोई जैसे कि डेली में पूछता हूँ, कोई प्रॉब्लम आ रही हो वीडियो में तो जल्दी से बता दीजिए। आवाज ठीक है, वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर बीच बीच अपन डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओके, सभी कमेंट करके बताइए, वॉइस ओके है, क्वालिटी ओके है। कल मैं आपको बता रहा था पदार्थों में दो प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पाए जाते हैं। तो भौतिक के अंदर मैंने बताया था कि जब भी भौतिक परिवर्तन होता है तो आपके पदार्थ के अंदर किस किस गुण के अंदर बदलाव आ जाता है। ठीक है, क्लियर किया था, उसके टेम्परेचर के अंदर, उसके आयतन में, उसके घनत्व में, ठीक है, और उसके आकार में, इन सारी चीजों में परिवर्तन आ जाता है। और जनरली मैंने बताया कि रासायनिक परिवर्तन जब भी होता है तो पदार्थ जो होता है उसकी प्रकृति पूरी की पूरी चेंज हो जाती है, वह एक नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको कल समझाई थी, आपको समझ में आ गया सारा मैटर। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, दिखाया भी था मैंने आपको कल ही, बस बताया था कि इस प्रकार से कोई भी उदाहरण दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है आपसे कि ये कौन सा परिवर्तन है, या निम्न में से। वहां आपने सवाल था निम्न में से अलग कौन सा अलग है, तो वहां तीन भौतिक गुणधर्म थे, भौतिक परिवर्तन थे, और एक अपना रासायनिक परिवर्तन था जो कि अलग था। ठीक है, इसलिए आपने उसको निकाल लिया है। अब बहुत सी बार मैंने आपको बताया था कि सर भौतिक और रासायनिक तो हमारे को समझ में आ गया, लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है, बहुत सी बार अपने गड़बड़ ये हो जाती है कि जब अपने देखते हैं कि सर नाम चेंज आ जाता है, कि भौतिक परिवर्तन ना देकर कोई और नाम दे दिया जाता है, जैसे निम्न में से कौन सा उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है, और या निम्न में से कौन सा उत्क्रमणीय है। ठीक है, और या फिर ऐसा जाता है निम्न में से कौन सा स्थायी है, कौन सा है स्थायी परिवर्तन है। तो
तो ये नाम का थोड़ा अपन क्लियर कर देते हैं, फिर मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी भाषा में आपको समझा दूंगा कि उसमें रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, एक लाइन में, ठीक है। फिर आप उसको अप्लाई करना कहीं भी, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो परिवर्तन कौन सा है, रासायनिक है कि भौतिक है, ठीक है। आपको याद रखने के लिए भौतिक और रासायनिक दो ही नाम याद रखने हैं, ठीक है, जनरली, क्योंकि ये बहस अपने को उठा के चलना है, जब तक बहस नहीं होगा तब तक क्लियर नहीं कर पाएंगे ना। तो मैंने बहस रख दिया है कि परिवर्तन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला अपन ने ले लिया है भौतिक परिवर्तन, ठीक है, और दूसरा अपन ने ले लिया है, नाम दे दिया मैंने रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। पहला हो गया भौतिक परिवर्तन और दूसरा हो गया रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। इसका एक नाम और होता है, ठीक है, अभी नाम सारे बताते जाऊंगा मैं। इसको अपन कह सकते हैं अस्थायी परिवर्तन, क्या कह सकते हैं इसको, अस्थायी परिवर्तन, ठीक है। और नाम लीजिए इसका, तो इसको अपन कहते हैं उत्क्रमणीय, ठीक है, उत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक है, इसको अपन उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना अपने को, ये अस्थायी भी कह सकते हैं, उत्क्रमणीय भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसको अपन कह सकते हैं स्थायी परिवर्तन, क्या कह सकते हैं इसको, स्थायी परिवर्तन, ठीक है, और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी अपन इसको कह सकते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? पूजा जी जांगी, गुड आफ्टरनून। हाँ, कमेंट करते रहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ ना, में जवाब दीजिए जल्दी से, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर मैं और अलग तरीके से आपको समझाऊं। परिवर्तन, जो पदार्थों में परिवर्तन होता है, दो प्रकार का होता है, भौतिक और रासायनिक, ठीक है, क्लियर हो गया। और भौतिक का नाम, एक दूसरा नाम होता है अस्थायी परिवर्तन, और इसका एक नाम ये भी होता है उत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक है। और इधर देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या कहते हैं अपन, स्थायी परिवर्तन कह सकते हैं और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कह सकते हैं। कि सर ऐसा अपन क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं वो मैं आपको अभी क्लियर करवा दूंगा, जब ये सारा सीन अपने आएगा सामने तो एक चीजें अपनी क्लियर हो जाएगी। हाँ देखिए, कमेंट अभी तक किसी का नहीं आया है, अभी मैं आपका रिवाइज भी करवाऊंगा, देखिए अपना टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, तो मैं कुछ सवाल ही पूछूंगा आपसे इस पूरे टॉपिक में से, तो एक्टिव रहिए थोड़ा। क्लियर हो गया ये कि नाम क्या होते हैं, अभी नाम तो गया, अब जनरली इनमें सर इसमें डिफरेंस क्या है, जनरली सिर्फ इसमें ये बताइए सर डिफरेंस क्या है। एक मिनट, थोड़ा सा कमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं देख लेता हूँ, नीचे आप कमेंट कर रहे हो, मेरे को शो नहीं हो पा रहा है। चलो अच्छा हो गया। हाँ प्रियंका जी, आ रहा है समझ में, खुशबू जी, ऑल इज वेल, बिल्कुल ऑल इज वेल है, आज देख लीजिए आज कोई दिक्कत नहीं आई है। हाँ, और आशा करते कि ना आए। हाँ पूजा जी, आ रहा है समझ में, विनोद जी, दुर्गा जी बिल्कुल सही, राजू जी और खुशबू जी वैष्णव, आ रहा है सर बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान रखना, अपने को जनरली क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, ये नाम आप देख लीजिए, नाम क्लियर है आपको, नाम समझ में आ गए, अस्थायी, अभी मैं क्लियर करवा दूंगा इसको, अस्थायी क्यों कहते हैं और उत्क्रमणीय क्यों कहते हैं। आप सिर्फ ये याद रखिए कि ये भौतिक होता है, ठीक है, इधर ही याद रखिए कि रासायनिक होता है, और रासायनिक को अपन स्थायी कहते हैं, और इसको अपन क्या कह सकते हैं, अनुत्क्रमणीय भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो सर आप इसको क्लियर कर दीजिए, आप क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता, ठीक है। सीधी सी बात करता हूँ, उदाहरण से समझाऊंगा, ठीक है, उदाहरण से समझा देंगे हम आपको भी क्या होता है, ठीक है। कोई चीज अगर ज्यादा क्रिटिकल होती तो अपन क्या उदाहरण देके उसको बताते कि ऐसा होता है, ठीक है। चलो अब एक चीज बताता हूँ, और मैं आपसे पूछूंगा भी सही कि ये चीज हो रही है या यहाँ एक कुछ मैटर हो रहा है, आप ये बताइए कि यहाँ भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। कुछ क्रियाएं में आपको, एक्टिविटीज में आपको भी पूछूंगा, ठीक है, पहले आप समझ लीजिए जनरली बिल्कुल सरल सी भाषा में। देखिए कोई भी पदार्थ होता है, समझ रहे हो ना आप, कोई भी पदार्थ होता है, पदार्थ कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, अपन किसी भी एक चीज का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। कोई भी पदार्थ होता है, अगर उसमें कोई परिवर्तन अपन करते हैं, ठीक है, जैसे अपन ने उसको हीट किया है, गर्म किया है, या अपन ने उसको पानी में घोल लिया है, अदरवाइज कोई भी एक्टिविटी उसके साथ की है, कोई भी क्रियाकलाप उसके साथ किया जाता है, कोई भी क्रियाकलाप, अगर उस क्रियाकलाप करने के पश्चात, अपन ने कोई भी क्रियाकलाप कर लिया उसके पश्चात, ठीक है, जो भी उसकी सिचुएशन बनती है, उसके बाद में अगर वापस आप उसको पहले वाली कंडीशन में ला सकते हो, समझ रहे हो आप, अगर आप उसको वापस पहले वाली कंडीशन में ला सकते हो, ठीक है, तो आपका वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। जो भी आपने किया है वो आपका क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन ही कहलाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? राजू जी मैं ना,
मैना हूँ सर। अच्छा मैना जी, ठीक है राजू जी, जब भी कमेंट आएगा तो बिल्कुल मैना जी हम बोलेंगे। हाँ मेरा फोन, चलो कोई बात नहीं, आपका फोन चार्ज कर लीजिए। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जब भी किसी पदार्थ के अंदर अपन परिवर्तन करते हैं, अभी परिवर्तन कौन सा कि ये नहीं बता रहा हूं मैं, वो तो अपन बाद में निकाल लेंगे। जैसे कि उदाहरण की बात करते हैं, जो मैं लेता हूँ बर्फ, क्या लेता हूँ बर्फ, बर्फ जानते हो ना सभी, बर्फ मैंने लिया है ठीक है, और बर्फ को मैंने गर्म किया, क्या किया गर्म किया, तो वो क्या बन गया पानी बन गया, क्या बन गया पानी बन गया, और फिर पानी को भी मैंने गर्म किया तो वो क्या बन गया वाष्प बन जाएगी या भाप बन जाएगी, क्या बन जाएगी वाष्प या भाप बन जाएगी। देखो बर्फ है, बर्फ क्या बन गया पानी, और पानी फिर बाद में क्या बन गया वाष्प या भाप बन गया। क्या यहाँ पदार्थ के अंदर परिवर्तन हुआ है? तो सर हाँ हुआ है। किस चीज में हुआ? तो सर एक तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो गया। किसमें परिवर्तन हो गया? पदार्थ की अवस्था में। तो सर पदार्थ यहाँ ठोस अवस्था में था, यहाँ द्रव अवस्था में है, और ये गैस अवस्था में चला गया है ठीक है ना, और उसके आकार में भी चेंजिंग आ जाएगी। आपको पता है ठोस का एक निश्चित आकार होता है, लिक्विड का कोई आकार नहीं होता है, गैस का भी कोई आकार नहीं होता है। इसका आयतन में भी थोड़ा फर्क आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई निश्चित, इन दोनों का आयतन निश्चित, लेकिन यहाँ आयतन इसका अनिश्चित हो जाएगा, घनत्व में परिवर्तन आएगा। लेकिन ये सारी जो राशियां है, इसके टेम्परेचर में परिवर्तन आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था ये जितने भी परिवर्तन हुए हैं ये सारे भौतिक परिवर्तन है ठीक है। तो सर कैसे हुआ? चलो अब इसका अपन टेस्ट कर लेते हैं, कैसे भौतिक है कौन सा नहीं। हाँ बिल्कुल ये बता रहे हैं दिनेश कुमार जी, थोड़ा डार्क लिखिए। अच्छा थोड़ा डार्क लिखें, चलो ठीक है डार्क लिखते हैं। सर महेश जी एक मिनट करवाते, थोड़ा सा महेश जी थोड़ा डार्क करवा दो, डार्क कर दो, थोड़ा लाइट करवा। चलो तो बर्फ जो है ये आपने पकड़ तो लिया कि सर ये भौतिक परिवर्तन हो रहा है ना। अब अपन देखते हैं भौतिक परिवर्तन कैसे, ये जो चीज समझ में सीधा सा अच्छा सा बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण होता है, इससे इसको अगर आपने समझ लिया है तो टाइम लगेगा समझने में, लेकिन अगर आप इसको समझ लोगे तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा अपना ठीक है ना। अब एक चीज समझिए आप, मैंने बर्फ को बनाया पानी, पानी को बनाया भाप ठीक है। अब मैं करना चाह रहा हूँ, मैंने इनको गर्म किया ना, अब मैं इनको ठंडा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ ठंडा कर रहा हूँ ठीक है। तो ठंडा करने पे क्या ये एक्टिविटी हो जाएगी क्या, कि भाप को ठंडा करने पे क्या हो जाएगा पानी बन जाएगा क्या, बिल्कुल ठीक है बनेगा, और पानी को ठंडा करने पे क्या बन जाएगा बर्फ बन जाएगा ठीक है। तो ध्यान रखना है ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। क्या कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अब ठीक है हाँ बिल्कुल सही है, तो समझ में आना चाहिए। मैं अपना बर्फ को मैंने पिघलाया, पानी पानी को पिघलाया, भाप बन गया ठीक है। पानी को थोड़ी पिघलाते, पानी को गर्म किया तो भाप बन गया ठीक है, और भाप को मैंने ठंडा किया वापस पानी बन गया, और वापस ये क्या हो गया बर्फ। मेन मकसद इसका ये है कि सर आपको सर ये भौतिक परिवर्तन हो रहा है ठीक है ना। मेन बात इसमें ये है, जब कोई भी पदार्थ उसके अंदर कुछ भी अगर अपन चेंजिंग करते हैं, उसके ताप में, उसके उसके टेम्परेचर चेंज कर, उसका दाब चेंज कर, कुछ भी चेंज करें, तो चेंज करने पर उसका मैटर तो सारा चेंज हो जाएगा ठीक है। लेकिन क्या इस सिचुएशन से वापस अपन उसको उसी सिचुएशन में ला सकते हैं क्या? ठीक है, अगर अपन ला सकते हैं, समझ रहे हो, अगर अपन ला सकते हैं तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा या हाँ, इसकी अवस्था में बदलाव आया है, बिल्कुल इसकी अवस्था में बदलाव आया है, इसके ताप में टेम्परेचर भी तो बदला है, इसके ताप में बदलाव आया है, इसके घनत्व में बदलाव आया है, इसके आयतन यहाँ तो ठीक है लेकिन यहाँ बदलाव आया है, बहुत सारी भौतिक राशियां इसकी चेंज हुई है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। कौन सा है ये? भौतिक परिवर्तन है। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं तो यहाँ भी H2O ही आएगा, इसका भी H2O ही आएगा, और इसका भी H2O ही आएगा ठीक है। भौतिक चेंज होती है तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन इसका रासायनिक गुणधर्म तो समान ही है, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है ठीक है। रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर नहीं हुआ है, यहाँ कौन सा परिवर्तन हुआ है? यहाँ भौतिक परिवर्तन हुआ है ठीक है। बस सीधी सी भाषा में मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, एक इसको समझ लीजिए क्लियर हो जाएगा, कि जब भी अपन कोई भी एक्टिविटी करते हैं किसी भी पदार्थ के साथ में, और करने के बाद में ये एक्टिविटी करनी, और इस एक्टिविटी करने के बाद में कोई वापस एक्टिविटी करूं और वह पदार्थ वापस पिछली वाली अवस्था में अगर आ जाता है, समझ रहे हो, अगर वो वापस पदार्थ पिछली वाली अवस्था में आ जाता है कुछ भी करने पर, जैसे यहाँ पे मैंने इसको गर्म किया तो पानी बन गया, अब मैं इसको ठंडा करूंगा फिर वापस बर्फ बन जाएगा ठीक है। अगर ये आ जाता है
ठीक है, अगर ये आ जाता है तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक। यहां भी देख लीजिए, पानी लिया मैंने, पानी को मैंने गर्म किया, क्या बन गया? भाप, और भाप को ठंडा किया, पानी, वापस पानी बन गया ना। तो जब वापस अपनी पूर्व स्थिति में अगर कोई पदार्थ वापस पहुंच जाता है तो उसके साथ जो भी आपने परिवर्तन किया था वह कौन सा परिवर्तन होगा, ये वाली बात कर रहा हूँ। ये तो अपने वापस ला के दिखाया है, बोला कि ये परिवर्तन कौन सा है। एक काम करो, वापस इसको अपन ला सकते हैं क्या? तो सर हाँ ला सकते हैं। जब ला सकते हैं तो ये भौतिक परिवर्तन होगा। ये कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक। तो सर नहीं ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं तो सर रासायनिक परिवर्तन हो गया। कौन सा हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। बात समझ में आ गई क्या आपको? बिल्कुल, भौतिक परिवर्तन है। अभी मैं आपसे, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, अभी मैं आपको बिल्कुल आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए उदाहरण पूछूंगा और आपको बताना होगा कि सर कौन सा परिवर्तन, आपको एक ही जवाब, भौतिक या रासायनिक। ठीक है, बात करेंगे, पहले आप समझ लीजिए। मैं पहले टॉपिक क्लियर करवा देता हूँ, टॉपिक क्लियर हुआ और आपका सारा मैटर क्लियर हो जाए, उसके बाद अपने सवाल जवाब चलेंगे। ठीक है, क्या समझ में आ गया क्या? हाँ ना में जवाब दीजिए जल्दी से। मैं इसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, आपको समझ में आ गया उसके बारे में पूछ रहा हूँ। क्या आपको समझ में आ गया क्या? मैं जो बताना चाह रहा हूं, मेन मकसद जो मेरा है, वो चीज आपको समझ में आ गई क्या? हाँ, इसके गुणों में परिवर्तन नहीं होगा। भैया गुण कौन से? भौतिक। भौतिक गुणों में तो परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अपन ये तो हो नहीं सकता कि सारे भौतिक और सारे रासायनिक गुण याद कर ले मैं। ठीक है, सारे भौतिक गुण सारे रासायनिक गुण याद कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सीधा सा एक ट्रिक है कि मैं तो ये चीज जानता हूं कि आप इसको, आपने कोई भी एक्टिविटी की और ये कोई पदार्थ दोष से इस अवस्था में आ गया, या फिर कोई भी एक्टिविटी की जैसे कि बर्फ का बन गया पानी, क्या इस पानी का आप वापस बर्फ बना सकते हो क्या? सर बना सकते हैं। तो आपने जो पानी को बर्फ को पानी बनाया था ना, ये भौतिक परिवर्तन होगा। सर नहीं बना सकते बर्फ पानी को वापस बर्फ, नहीं बना सकते, तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी ट्रिक है, तरीका है ये समझने का। ठीक है, तो अब इधर की बात कर लेते, इन चीजों को मैं, इन नामों को मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं एक उदाहरण निचोड़ ले लेता हूँ, तो उसे आपको एक, ये तो हुआ भौतिक का, ठीक है, एक मैं रासायनिक परिवर्तन का ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एक मैं ले लेता हूं अपने रासायनिक परिवर्तन का। चलो ठीक है, मैंने ले लिया लकड़ी, ठीक है, और लकड़ी को मैंने जलाया, क्या किया? जलाया। ठीक है, लकड़ी को जैसे मैंने जलाया तो आपको मिली राख प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये कौन सा परिवर्तन है? लकड़ी का जलना कौन सा परिवर्तन है, जल्दी से बताइए। प्रियंका जी बता रहे हैं इसके रंग रूप आकार परिमाप में परिवर्तन होता है। हाँ, इसके रंग रूप आकार, ये भौतिक राशियां होती है, रंग रूप आकार, ठीक है, ये भौतिक राशियां होती है। हाँ, किरण जी सोलंकी बता रहे हैं कि जो सेकंड वाला है सर, लकड़ी का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। और पूजा जी बता रहे हैं रासायनिक। खुशबू जी वैष्णव रासायनिक। विनोद जी बता रहे हैं भौतिक परिवर्तन। विनोद जी इसकी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए अच्छे से, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, विनोद जी नायक। और रिंकू जी बता रहे हैं रासायनिक परिवर्तन, और प्रियंका जी रासायनिक परिवर्तन, सॉरी मैना जी टेलर रासायनिक है, और दुर्गा जी बता रहे हैं रासायनिक। हाँ विनोद जी, थोड़ा आप क्लियर कर दीजिए कि आपने पहले का जवाब दिया था कि दूसरे का। हाँ कौशल्या जी वैष्णव रासायनिक, वेरी गुड। दिनेश जी कुमार रासायनिक। सीधा सर जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो ट्रिक लगाइए, क्या आप जो आपको मीटर मिला है, इस मीटर से रिएक्शन होने के बाद में जो मीटर मिला है, इस मीटर से वापस आप ये चीज बना सकते हो क्या? बना सकते हो तो ये वाला हो जाएगा, और नहीं बना सकते हो तो ये वाला हो जाएगा। सीधी बात, ठीक है, सीधी सी बात है, सीधा सा मैटर है कि ये सर ये सीन चलेगा। ठीक है, अब मैं जब आपको सारा समझ में आ जाएगा तब इन नामों के बारे में और मैं चर्चा कर दूंगा। पहले का दिया था भौतिक, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, मुझे पता है, और मैं, मुझे इतना सा तो कंफर्म है कि आप जवाब गलत नहीं दे सकते, इसलिए मैंने आपको दो तीन बार पूछा है, क्योंकि इतनी छोटी सी बात है वो विनोद जी को समझ में नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, हाँ देखिए लिंक जो है अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करिए, क्योंकि आज की जो क्लास है, देखिए रसायन विज्ञान के हिसाब से पदार्थ टॉपिक थोड़ा इतना, देखिए वैसे तो अपन ने जब भी पढ़ाया उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए भी थे, और आगे भी मैं कोशिश करूंगा, और पूरी कोशिश रहेगी कि अपन एक और प्रयास कर रहे हैं एक क्वेश्चन सीरीज चलाने का भी, बहुत थोड़े दिन, एक दो दिनों बाद या फिर तैयारी चल रही है, क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे, उसमें आपके जितने भी प्रीवियस पेपर है, उसके जितने भी मेरे सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, साइंस समझ, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को अपन लेके चलेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही होंगे वहां पे। ठीक है, वो अपन एक अलग से टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो
और आपने, मैंने आपको जब बताया वो सुपरवाइजर का था पेपर, उसमें आपने देखा होगा एक ही टॉपिक के लिए अपन ने रिवीजन आए 5 उसमें से, उसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाएंगे अपन, देखते रहिए आप ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है। हाँ दिनेश जी बता रहे हैं हम इस चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल हम आप वापस राख और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के लकड़ी नहीं बना सकते ना, नहीं बना सकते, देखिए पूरा पदार्थ ही चेंज हो गया, पदार्थ ही चेंज हो गया सर, यहाँ तो पदार्थ चेंज हो गया था बर्फ का पानी, लेकिन देखो पानी का जो रासायनिक संगठन था H2O, ये H2O ही यहाँ था और ये H2O ही यहाँ था, रासायनिक संगठन इनका चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। देखिए लकड़ी जो कि कार्बनिक पदार्थ होती है, कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और जुड़ गई इनके साथ ऑक्सीजन, देखिए CO2 में वो गैस मिली और ये अपने को कार्बन मिला है, इन चीजों को मिला के अपन वापस लकड़ी नहीं बना सकते हैं, इसी कारण ये जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन कौन सा है, कौन सा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। आपको क्लियर हो गया सभी को, सभी को क्लियर है, सेकंड वाला रासायनिक बिल्कुल अच्छी बात है विनोद जी। हाँ अब मुझे जहां तक मालूम हो रहा है कि आप सभी को ये चीज तो समझ में आ गई कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, लेकिन भौतिक और रासायनिक को मैं नाम, इन दोनों नामों को मैं मिटाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये मिट गए, ठीक है, मिटा दिया मैंने, आपको नहीं दिख रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि भौतिक परिवर्तन को अस्थायी परिवर्तन भी कहा जाता है। तो सर भौतिक को अस्थायी कहा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो पदार्थ जो होता है ना, कोई भी पदार्थ जो होता है वो स्थायी रूप से नहीं बनता है, कोई भी पदार्थ स्थायी रूप से नहीं बनता है। सर कैसे स्थायी क्यों नहीं हुआ, देखिए आप चाहो तो वापस उसको कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो, इसीलिए इसको अपन अस्थायी परिवर्तन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे वापस उदाहरण ले रहा हूं, मैंने क्या किया, बर्फ को क्या बना दिया, पानी बना दिया, क्या बना दिया, पानी बना दिया। अब मैं चाहता हूं कि पानी का वापस में बर्फ बना दूं, तो पॉसिबल है, पॉसिबल है। क्या पानी स्थायी है, क्या पानी स्थाई है, नहीं सर पानी स्थाई नहीं है, क्यों, क्योंकि अपन इसका बर्फ बना सकते हैं वापस, बना सकते हैं ना, इसीलिए इसको अस्थाई परिवर्तन भी कहा जाता है। भौतिक परिवर्तन क्या कहा जाता है, अस्थाई परिवर्तन भी कहा जाता है। पर्यावरण स्थाई परिवर्तन नहीं, स्थाई नहीं है। आप कह रहे हो सर सामान्य ताप पे तो ये पानी रहेगा ना, हाँ सामान्य ताप पे पानी रहेगा, लेकिन क्या बर्फ नहीं बना सकता मैं इसकी, बर्फ में इसकी बना सकता हूँ, क्योंकि पहले बर्फ था वो भी सामान्य ताप पे थोड़ी था, बर्फ तो बर्फ के टेम्परेचर भी था, ठीक है। वापस मैं इसको वही टेम्परेचर दूंगा तो ऑटोमेटिक वापस क्या बन जाएगा, ये बर्फ बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। विनोद जी बता रहे हैं कि क्योंकि इसकी रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बिल्कुल सही है, रासायनिक यहाँ H2O है बीबी और यहाँ अभी भी H2O है, ये इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखना है, क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं कि सर ये भी क्लियर हो गया कि इसको अस्थायी क्यों कहते हैं, यहाँ जो पदार्थ बनता है वो अस्थायी नहीं होता है, आप उसको चेंज कर सकते हो चाहे कैसे भी करो, ठीक है। दूसरी बात आती है उत्क्रमणीय, ठीक है, उत्क्रमणीय का मतलब भी वही होता है, वापस वैसे का वैसा बन जाना, ठीक है, उत्क्रमणीय, क्रमणीय का मतलब वापस बन जाना, उत मतलब पहले जैसा, उत्कम क्रमणीय का मतलब बन जाना और उत का मतलब पहले जैसा, ठीक है, लैंग्वेज को थोड़ा पकड़िए। कर्मणीय मतलब उसका कर्म जो है, उसका कर्म तो वैसा का वैसा रहेगा, आंतरिक जो संरचना है, आंतरिक जो मैटर है वही रहेगा, ठीक है, और अगर आप चाहो तो उसको वापस वैसा ही बना सकते हो, ठीक है। उत्क्रमणीय का मतलब वापस उसको ऐसा ही आप बना सकते हो, यानी सेम चीज है, ये एक अस्थायी परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन जो होता है अस्थायी परिवर्तन होता है, रासायनिक के लिए बोला था, अच्छा रासायनिक के लिए बोला था, वेरी गुड। तो अभी जिसकी बात कर रहे हैं उसी भी अपन चलेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, अब अपन उसका नंबर ले लेंगे। तो क्लियर हो गया आपको भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, कि सर पदार्थ जो चीज जिस अवस्था में जिस मैटर जिस कम जैसा भी है, अगर अपन उसमें कोई भी एक्टिविटी करवाते हैं, बदल गया वो, बदलने के बाद भी अपन वापस उसको उसी स्थिति में ला सकते हैं कुछ करके, ठीक है। अगर ला सकते हो तो भौतिक परिवर्तन, और नहीं ला सकते हो तो कौन सा हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, और उसे अपन रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, अनुक्रमणीय कहेंगे, ठीक है। अब इनके नामों से चर्चा कर लेता हूं, रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया, वापस उस सिचुएशन में उस कंडीशन में वो नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो वो वहां जाके स्थायी हो जाएगा। जैसे मैंने क्या किया, जैसे मैंने कागज को क्या किया, जला दिया है, ठीक है ना, एक कागज मैंने ले लिया है और उसको मैंने जला दिया है, ठीक है ना। या फिर एक चीज बताइए, जैसे कार्बन, कोई भी कार्बनिक पदार्थ है और उसको मैं जलाता हूँ, ठीक है, जलाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में,
प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, वायुमंडल में उड़ जाएगी, ठोस कार्बन जैसे कोयला मान लिया अपन ने, कोयला मान लिया और भी कोई कार्बनिक पदार्थ अपन ने मान लिया, ठीक है, तो अपन इसको जलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसकी बन जाएगी। और इसके बाद इस मैटर को लकड़ी वाला उदाहरण समझ लीजिए, अगर आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है इसको समझने में, रिएक्शन को, ये रिएक्शन है, ठीक है ना, वहां मैंने आपको पूरा प्रोडक्ट उत्पाद या जो भी मैटर है वो बताया था, या रासायनिक तरीके से अपन लिख रहे हैं, तो इसको मैं वापस ये नहीं बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ, यानी ये चीज स्थाई हो गई, ये जो है ना ये स्थाई हो गया, ठीक है ना, स्थाई रूप से इन्होंने स्थाई रूप धारण कर लिया, इसलिए इसको स्थाई परिवर्तन कहते हैं। और ये हो गया अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय का मतलब उत्क्रमणीय के आगे अनुपसर्ग लग गया, मतलब नहीं, अनु मतलब नहीं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अनुत्क्रमणीय में क्या होता है, वापस परिवर्तन नहीं हो पाता है, वापस वही पदार्थ नहीं बन पाता है, इसलिए इस प्रकार के परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा सभी को, अब जब समझ में आ गया है तो अब आपकी मेरी बारी है प्रश्न पूछने की और आपकी बारी है जवाब देने की। क्लियर, तैयार हो सभी? हाँ, फलों का पकना, कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। प्रियंका जी पूछ रही, भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है, हमें इसमें हमको परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, रासायनिक स्थायी होता है, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। नाम अच्छे से भाई चेंज हो जाएगा, वापस बन जाएगा क्या, तो बन जाएगा तो भौतिक, और अनुसार नहीं बनेगा तो रासायनिक। क्लियर हो गया, अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपका जवाब आना चाहिए, क्लियर, ठीक है। मैं आपको उदाहरण दूंगा और आप उसको, हाँ ये भौतिक और रासायन में बताओगे सर कौन सा परिवर्तन है, ठीक है, एग्जाम में आने वाला अच्छे सा सवाल। दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, जल्दी से बताइए, दूध का दही बनना भौतिक या रासायनिक, जल्दी से। हाँ, पूजा जी जाएंगे सबसे पहले रासायनिक, सौरभ जी रासायनिक, विनोद जी नायक रासायनिक, दिनेश कुमार जी रासायनिक, बहुत फास्ट जवाब दे रहे हो, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। दुर्गा जी रासायनिक, खुशबू जी रासायनिक, रिंकू जी रासायनिक, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और दूसरा लीजिए, पानी का, पानी में, पानी में चीनी का घुलना, पानी में चीनी का घुलना, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, वॉइस पकड़िए, पानी में चीनी का घुलना, विनोद जी नायक सबसे पहले दे रहे हैं आंसर, भौतिक, पूजा जी जाएंगी भौतिक, पानी की गिलास मान लीजिए, सीधा बता दे, पानी गिलास में मैंने चीनी घोल दी, पानी में चीनी का घुलना भौतिक, राजू सॉरी मैना जी भौतिक, कौशल खुशबू जी, कौशल्या जी बता रहे हैं भौतिक, किरण जी सोलंकी भौतिक, और प्रियंका जी बता रहे हैं भौतिक, बिल्कुल सही है भौतिक, और ये है रासायनिक, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, देखिए अपना स्तर, अभी आप सोचते सर बहुत इजी पूछ रहे हो, बिल्कुल अभी आपको थोड़ा मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाता चला जाऊंगा स्तर, ठीक है ना, फिर आप बताना, ठीक है, चलो आगे है। हाँ, सभी को समझ में आ रहा है सारा मैटर, पानी में चीनी बोलना भौतिक परिवर्तन, बिल्कुल सौरभ जी आपने बताया, आप तुम इस भौतिक और रासायनिक लिखा करो, मैं समझ जाऊंगा कि क्या आपका जवाब क्या है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल है मेरा, दूध से मावा बनाना, दूध से मावा बनाना, अब बताइए आप, दूध से मावा बनाना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, जल्दी से बताइए, दूध से मावा बनाना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, वो सीधी सी ट्रिक लगा लीजिए कि वापस बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, विनोद जी बता रहे भौतिक, किरण जी बता रहे रासायनिक, और खुशबू जी बना रहे हैं बता रहे रासायनिक, पूजा जी बता रहे हैं रासायनिक, खुशबू जी रासायनिक, रासायनिक सौरभ जी रासायनिक, दिनेश जी रासायनिक, शशिकांता जी गुड मॉर्निंग आ गए आप रासायनिक, प्रियंका जी रासायनिक, अब विनोद जी बता रहे हैं अपने भौतिक, ठीक है, तो उनका थोड़ा अपन क्लियर कर देते हैं। आपने कभी मावे का वापस दूध बनते हुए देखा है क्या, वही का वही दूध बन जाएगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, इसलिए ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, क्लियर, बिल्कुल, मैंने कहा था जनरल चीजें उठाऊंगा और उसी को लेके वापस आपको समझाऊंगा, ठीक है, और आप आपको बताना है सारा, हाँ बिल्कुल सही है रासायनिक। हाँ चलो आगे बढ़े अपन,
आगे बढ़े, तैयार हो सभी? रिंकू जी का भी रासायनिक परिवर्तन आ रहा है, बिल्कुल। हाँ चलो, अगला सवाल है मेरा। विद्युत से पंखा चलना, विद्युत से या बिजली से पंखा चलना, इसमें जिस चीज का इन्वेस्ट हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें कंजप्शन किसका हो रहा है? विद्युत का। विद्युत से जो पंखा चल रहा है ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? विद्युत का कंजप्शन हो रहा है, आपकी विद्युत कन्वर्ट हो रही है। किसमें कन्वर्ट हो रही है आप पता, आपको पता है पंखा जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बता दीजिए कि ये जो परिवर्तन हुआ, एनर्जी का जो परिवर्तन हुआ है वो कैसा परिवर्तन है, किस प्रकार का ये परिवर्तन है, जल्दी से बता दीजिए। कौशल्य जी बता रहे हैं रासायनिक परिवर्तन, और किरण जी सोलंकी रासायनिक, विनोद जी बता रहे हैं भौतिक, और दिनेश जी बता रहे हैं रासायनिक, पूजा जी रासायनिक, शशिकांता जी रासायनिक, और सॉरी मैना जी बता रहे हैं भौतिक, और दुर्गा जी बता रहे हैं रासायनिक। हाँ बिल्कुल, सस्पेंस में डाल दिया होगा आपको उसने। और जल्दी से कमेंट करिए जवाब। दुर्गा जी रासायनिक इसके बाद कोई नहीं है, जल्दी से बताइए आगे। और कौन सा परिवर्तन है ये, भौतिक है कि रासायनिक है, बताइए। अगला सवाल एक और है, विद्युत बल्ब का जलना, विद्युत बल्ब का जलना, अभी इसका नहीं बताना है, इस पे क्लियर कर दो पहले आप। सर इसका नहीं, मतलब वो कैमरा बंद हो गया, हाँ वापस जोड़ दी, पीछे चले गए कैमरा, बताइए जल्दी से। ऊपर वाला क्लियर है, नीचे वाला नहीं बताना है, जो नहीं बताना उसके बारे में मना किया, अभी इसको मत बताइए आप, पहले उसको बता दीजिए। हाँ अब मैं एक बात करना चाह रहा हूं आपसे, विद्युत से आपने चलाया पंखा, क्या चलाया? पंखा, ठीक है। पंखे का जो चलना है, पंखे से आपको पता है क्या मिलेगी आपको, पंखे से आपको क्या मिलेगी, एयर, हवा। क्या हवा से वापस विद्युत बन सकती है? मेरा मेन मकसद है, विद्युत का कंजप्शन हुआ है और उससे मेरे को पंखे से मिली है हवा, क्या इस हवा से वापस मेरे को बिजली मिल सकती है? क्या कैसे भी करके मिल सकती है? हाँ मिल सकती है, और मिल सकती है तो आप समझो कौन सा परिवर्तन, मिल सकती है तो आप समझिए कौन सा परिवर्तन है। जस्ट एज सेकेंड आपने विद्युत का कंजप्शन किया, बल्ब जलाया, बल्ब से आपको मिला प्रकाश, क्या मिला? प्रकाश मिला है। क्या प्रकाश वापस आपको विद्युत दे सकता है? कैसे भी हो, कैसे भी हो विद्युत दे सकता है, और अगर हाँ दे सकता है तो ये हो जाएगा परिवर्तन आपका भौतिक। कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? हाँ बिल्कुल, ऐसे क्लियर हो जाना चाहिए सारा मैटर, ठीक है। तो ये दोनों ही भौतिक परिवर्तन थे, ठीक है, लेकिन आपको ये कंफ्यूज कर रहे थे। तो ट्रिक आपको यही लगानी है कि अगर वापस अगर वो चीज अपन प्राप्त कर सकते हैं उसी मीटर से, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, और नहीं कर सकते हैं तो क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं एक और, आटे से रोटी बनाना, जल्दी से बताइए, आटे से रोटी बनाना, घर में घुस गए रसोई के अंदर, बिल्कुल आटे से रोटी बनाना, विनोद जी नायक का जवाब आया रासायनिक, सर किरण जी रासायनिक, दुर्गा जी रासायनिक, राज मेना जी रासायनिक, दिनेश जी रासायनिक, पूजा जी रासायनिक, और खुशबू वैष्णव रासायनिक, शशिकांता जी रासायनिक, कौशल्या जी रासायनिक, रिंकू जी रासायनिक, वेरी गुड। अब क्योंकि अब जनरली चीजें चल रही है तो सबको पता है कि रोटी से वापस आटा तो बनने से रहा, तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया आपका?
रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो अब मैं मान लू कि आपको यह समझ में आ गया है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक और रासायनिक के नाम के जगह अगर और कोई नाम दूसरा आ जाए, जैसे उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय आ जाए, इसमें किसी को सस्पेंस तो नहीं है ना, स्थायी अस्थायी और उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। अगर हो तो एक बार और मैं आपको क्लियर करवा दूं, ठीक है ना। जो भौतिक है, नाम भी बता रहा हूं, जो भौतिक है उसमें पदार्थ स्थायी नहीं होता है, स्थायी नहीं होता, इसलिए कहते हैं इसे अस्थाई। क्या कहते हैं? अस्थाई। और ये वापस बन जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन कहते हैं इसको? उत्क्रमणीय परिवर्तन। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ जो होता है ना, वो स्थाई रूप धारण कर लेता है, वापस चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको अपन कहते हैं स्थाई परिवर्तन या अनुत्क्रमणीय, यानी वापस रिवर्स नहीं आता है ये, इसलिए इसकी अनुपसर्ग लग गया और अनुत्क्रमणीय, ये हो गया आपका परिवर्तन। ठीक है, मेरा मेन मकसद है आपको चीज समझाना कि आपको समझ में आ गया मैटर। ठीक है, आपको मैटर समझ में आ गया। और एग्जामों के अंदर बहुत ज्यादा उदाहरण जो मैंने पहले दिया था कि दूध का दही बनना, लकड़ी का जलना, ठीक है, कागज का जलना, कागज का फटना, ठीक है, और भी जैसे कि विद्युत का मैंने अभी बताया था आपको, वो थोड़ा डिफिकल्टली पूछा जाता है, ठीक है, अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन अगर आप इस स्तर पे अगर आप अपने सवाल सोल्व कर सकते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, विनोद जी पूछ रहे हैं इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, नया पदार्थ बनता है। बिल्कुल, जब भी आप रासायनिक परिवर्तन में जाओगे तो वह पदार्थ ही पूरा ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसके भौतिक रासायनिक बिल्कुल दूसरा पदार्थ बन जाएगा वो, ठीक है, पूरा दूसरा पदार्थ बन जाएगा। जैसे दूध को अपन ने देखा, दही बन गया, ठीक है, दूध आपको पता चाय बना सकते हो उससे, उसका फ्लेवर अलग होता है, उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन दही, दही का फ्लेवर अलग होता है, उससे अपन चाय नहीं बना सकते, उसके अदरवाइज जो भी मिठाई, जो भी अदरवाइज कुछ भी होता है वो बना सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान अपने को रखना है। चलो, क्लियर हो गया आप सभी को ये मैटर, क्लियर है? तो ये आपका जो पदार्थ वाला टॉपिक है ये भी आपका कंप्लीट हुआ है और क्लियर है। और आप, मैंने जितनी भी दिन क्लास ली है उसमें से ध्यान रखना है, वहां से एक ने क्वेश्चन जरूर फंसा है हर एग्जाम के अंदर, अगर साइंस है वहां से, और अगर वो चाहता है एग्जामिनर कि इसमें केमिस्ट्री में से क्वेश्चन में डालूं, ठीक है, तो प्रत्येक टॉपिक अपना इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है, ध्यान रखना अपने को। एक बार वापस मैं जस्ट 5 मिनट आपको वापस स्टार्टिंग से क्लियर करवा रहा हूं, उसके बाद अपना दूसरा टॉपिक जो कि परमाणु है वो स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना, ताकि अभी जस्ट अभी तो 36 मिनट, वो अभी क्या होगा 36 मिनट, 15 मिनट की और है क्लास। हाँ, तैयार आप सभी? चलिए, अपन ने स्टार्ट किया था रसायन से, ठीक है, 2 मिनट में बोलूंगा, आपको सिर्फ सोचना है कि मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है, जस्ट इमेजिन, माइंड के अंदर यही सोचना है कि सर ने क्या बताया था, ठीक है ना, वो चीज आपको याद रखनी है, बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से अपन उसका रिवीजन कर लेते हैं। और आप जब भी फ्री हो वही 2-5 मिनट के अंदर किसी भी तरह लिखा हुआ अगर आपके पास तैयार है तो आप उसको पन्ने पर रखते रहो, देखना है, अगर आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ आपको देखना है हाँ हाँ ये हो गया, लास्ट एग्जाम टाइम में आपको इतना पढ़ तो नहीं पाओगे, सिर्फ आप कैसे करोगे पन्ने, जैसे मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ाया था, बताया था कि कोई भी टॉपिक में कंप्लीट करवाता हूं घर पे जाके 2-3 बार उसके डोज ले लेना, आपको सिर्फ आंखें बंद करना है, जो डायग्राम बनो तो वो चीज आपको सामने आ जाएगी, ऑटोमेटिक आप ऐसे नजरें घुमाओगे, आंखें घुमाओगे या इशारा ऐसे, ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट किया अपन ने रसायन विज्ञान की, अपन बात कर रहे थे, तो रसायन विज्ञान जो है इसकी उत्पत्ति कहां हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी मिस्र के अंदर, कहां हुई थी, मिस्र के अंदर, ठीक है। आपको जवाब नहीं देना है, सिर्फ आपको सुनना है, सर आज 2 घंटे की क्लास लेने वाले थे ना, बिल्कुल देखिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, देखिए जब अगर चल गए ना तो फिर तो चल गए, फिर रुकेंगे थोड़ी अपन, ठीक है, अपन फिर टाइम नहीं देखेंगे, ठीक है, वो तो क्या बंदी सोच हो जाती है, इसलिए मैं ये क्लास जो अपनी लास्ट में लेना लिया आज मैंने, क्यों, क्योंकि फिर क्या है कि अपने पीछे क्लास होती तो फिर पीछे सर आ जाते कि सर टाइम हो गया, इसलिए मैंने कहा सर मैं लास्ट में दो आप क्लास, मैं फिर मेरे हिसाब से देख लूंगा, जितना पढ़ाना उसके हिसाब से मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, इसलिए मेरे क्लास है लास्ट में, बस लेकिन दिक्कत क्या आती है दोपहर के टाइम तो बच्चे क्या है थोड़े कम जुड़ पाते हैं, ठीक है, तो रिक्वेस्ट करेंगे हम आपसे कि देखिए ये टाइम जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको सो के निकालो तो आपकी इच्छा, तैयारी करो तो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। अभी इसके बारे में थोड़ा लास्ट में मैं चर्चा करूंगा 10 मिनट आपसे, ठीक है, इस मैटर में थोड़ी चर्चा करनी है मेरे को आपसे, बहुत दिन हो गए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपसे बात करने की लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे को, टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है। चलो रिविजन की बात करते, चलो इतनी देर में अपना रिविजन हो जाता, करें रिविजन। तो मिस्र देश के अंदर रसायन विज्ञान की शुरुआत हुई थी और उसे
ये जो है वहां क्यों मानी जाती है, देखो वहां क्या है, रिपोर्ट के अंदर मैंने बताया था वहां जो केमिकल्स जो होते हैं, रसायन जो होते हैं वो बनाने की विधियां उन लोगों को बताती है। वहां देखो रंग बनाए जाते थे, कांच बनाया जाता था, और मम्मी क्यों, सीधा सा सिंपल सा उदाहरण है कि वहां आपको पता है ताबूत के अंदर मम्मी को जो है सेफ रखा जाता है, मम्मी के ऊपर जो केमिकल रसायन जो लगाया जाता है आज तक भी वो मम्मी सुरक्षित है। प्रेजेंट टाइम में बहुत सी जगह मम्मियां म्यूजियम के अंदर रखी रहती है, आज भी वो सुरक्षित है, उसको ना दीमक लगती है कुछ भी उसमें। हाँ, मम्मी का मतलब वो मम्मी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना अपने को, मैं मिस्र की मम्मियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया, अब उससे वहां इस जो विधियां थी उसे क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था रसायन को, रसायन बाद में आया, पहले कहा जाता था इन विधियों को कहा जाता था केमिटेकिंग। ये जो विधियां उनके पास थी उसको कहा जाता था केमिटेकिंग, पहले रसायन विज्ञान नाम नहीं था, पहले था केमिटेकिंग। कहां था, मिस्र में ही था ये, ठीक है। और केमी क्यों पड़ा, तो वहां मिस्र के अंदर एक काली मिट्टी आती है, काली मिट्टी आती है, उस मिट्टी का नाम था केमी, ठीक है, इसलिए केमिटेकिंग। हाँ, उस मिट्टी में कुछ ऐसे स्पेशल गुण होंगे और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया होगा किसी न किसी चीज में और उसी से जुड़ा हुआ ये नाम आया अपने पास में केमिटेकिंग, ठीक है। तो पहले रसायन शास्त्र को कहा जाता था केमिटेकिंग, ठीक है। उसके बाद अरब के लोगों ने वहां आक्रमण किया, वहां पर क्या किया, आप जानते हो कि यहाँ का ज्ञान वहां, वहां का ज्ञान वहां, तो इस प्रकार से धीरे 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 ये पूरे विश्व में फैलने लग गया और उसके बाद इसका नाम पड़ गया रसायन, ठीक है, रस और आयन, ठीक है, रस और आयन क्या बन गया, रसायन बन गया, ठीक है, और इसका नाम पड़ गया रसायन शास्त्र, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि सर फिर क्या हुआ, अब तो फिर क्या हुआ था आप जानते हो, अब एक सर इसमें भारत का तो नाम आया ही नहीं, तो भारत का मैंने आपको बताया था कि भारत तो वैसे विश्व गुरु रह चुका है, लेकिन पहले अपनी जो शिक्षा पद्धति थी वो मौखिक थी, लिखित नहीं थी, कैसी थी, मौखिक थी, हाँ, इसीलिए केमिस्ट्री, बिल्कुल सही, केमिटेकिंग का केमिस्ट्री इसीलिए है और अपन उसको रस और आयन कहते हैं और रसायन बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखना अपने को, बिल्कुल सही है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था भारत की, तो भारत का योगदान है और पहले किताबों में नहीं आता, लेकिन आजकल की जो किताबें उसमें आने लग गया है, अपने जितने भी अपने प्राचीन ग्रंथ है उनके बारे में जितनी भी जानकारी है सारी धीरे धीरे अपनी किताबों के अंदर आने लग गई है। तो एक क्योंकि सबसे पहला टॉपिक अपने लिए पदार्थ, तो सबसे पहला नाम आता है पदार्थ, तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ के बारे में अपने चर्चा की, तो उसके अंदर अपने को ध्यान रखना है। शशिकांता जी कानड़ देखिए, थोड़ा अगर ये ऐसे वर्ड होता आप हिंदी में लिख दिया कीजिए, ठीक है। हाँ, तो फिर अपन बात करते हैं सर पदार्थ, पदार्थ पे अपन पहुंच गए, तो पदार्थ क्या होता है सर, तो अपने आसपास जितनी भी निर्जीव चीजें हैं, ठीक है, जितनी भी निर्जीव चीजें हैं, ठीक है, अगर उनमें द्रव्यमान यानी वजन है और क्या है, और वह अगर स्थान घेरती है यानी जगह घेरती है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, और उन्हें हम अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों में से देख सकते हैं और सारे भौतिक गुणों का वह पालन करती है, जैसे भौतिक गुण कौन सा, वहां पर सबसे एक पहला भौतिक गुण लगाते हैं कि उष्मा देने पर वो गर्म हो जाए, ठीक है, या ताप कम करने पर टेम्परेचर कम हो जाए, ठीक है, जड़त्व के नियम का पालन करें, तो ये सारे भौतिक नियम होते हैं, उनका अगर वो पालन करती है तो वह वस्तु क्या कहलाएगी, पदार्थ कहलाएगी, क्या कहलाएगी, पदार्थ कहलाएगी। क्लियर हो गया, पदार्थ की सीधी सी परिभाषा होती है, हाँ, कणाद, बिल्कुल सही है, कणाद 500 ईस्वी पूर्व आपने लिख लिया है मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ, तो कणाद। अब पदार्थ की बात हुई, तो पदार्थ किसका बना हुआ है, ये इसके बारे में लोगों के मन में क्या जिज्ञासा जागृत होने लगी कि ये पदार्थ आया कहाँ से, बना कैसे, ठीक है, जब इसको विकास कैसे जाने, इसको देखो, देखा, इनको तोड़ा, टुकड़े किए, हाँ, कणा सिद्धांत, बिल्कुल मेनाजी टेलर कणा सिद्धांत आया, उसी के बारे में अभी उतर रहा हूँ सीढ़ी से नीचे, उसी पे आ रहा हूं मैं। तो उसके बाद क्या हुआ, लगभग 500 ईस्वी पूर्व, ठीक है, महर्षि कणाद, देखिए एक विशेषक नाम से इनकी रचना है, ठीक है, विशेषक सिद्धांत इनकी रचना है, जिसके अंदर इनका नाम कणाद क्यों पड़ा, इनका नाम कणाद नहीं था, ठीक है, इन्होंने क्या है, तंदुल, तंदुल मतलब चावल खाए थे और इन्होंने ये सिद्धांत रचा था, जिसे विशेष नाम से जाना जाता है, विशेष सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने उस सिद्धांत के उन्होंने चर्चा की कि इस बढ़ती भी जितना भी द्रव्य है, उन्होंने इस्तेमाल किया था द्रव्य, ठीक है ना, शब्द इस्तेमाल किया था द्रव्य, तो जितना भी द्रव्य है ना वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा, और इसीलिए
उन छोटे छोटे द्रव्यों को या पदार्थ को, छोटे छोटे कणों को उन्होंने उनका कण कहा, इसलिए उनका नाम भी क्या हो गया, क्या हो गया, कण हो गया। उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से उन्होंने तंदूर चावल लिए, कि जिस प्रकार से देखो इतने चावल है, ये इतने एक मुट्ठी चावल कैसे बने, ये छोटे छोटे चावल के दानों से बने हैं। सीधा सा उदाहरण दिया था, इतने चावल, ये देखो एक मुट्ठी पर चावल है, ये कैसे बन गया एक मुट्ठी, फिर उन्होंने फैलाया, ये देखो एक एक चावल मिलकर एक मुट्ठी हुआ। उसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ जो आपको बड़ा आकृति में आपको भौतिक संसार में दिखाई दे रहा है, आपकी आंखों से दिखाई दे रहा है, वह प्रत्येक पदार्थ भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसलिए उसका नाम, उनका महर्षि का नाम पड़ा गया आपका कणाद। ठीक है, जब परमाणु पढ़ाऊंगा तो थोड़ी चर्चा और करूंगा। इन्होंने दो तीन बातें कही थी पदार्थ के बारे में। इसी समय इनके ही टाइम एक अपने एक और महर्षि थे, उसका नाम था कात्यायन। क्या कहा, नाम था कात्यायन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बड़े होते हैं। ये छोटे छोटे कण होते हैं। डायग्राम देखो, अपना बताने का तरीका डायग्राम, पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किसने कहा, महर्षि कणाद ने कहा, महर्षि कणाद ने कहा। ठीक है, और एक महर्षि है जिसका नाम है कात्यायन। क्या नाम है, कात्यायन नाम है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, दोनों परिभाषा चलो परमाणु के अंदर पढ़ानी मेरे को, लेकिन मैं ये चीज आपको यही क्लियर करवा देता हूँ कि मान लीजिए परमाणु का ही मैटर चल रहा है। कात्यायन ने, इन्होंने क्या कहा कि जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, जस्ट इनका रिवर्स बोला इन्होंने, छोटे छोटे कण होते हैं ना, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण जो होते हैं ना, और उन्हीं से मिलकर क्या बनता है, आपका पदार्थ बनता है। बात समझ में आ गई क्या? तो सर बात तो एक ही है, बात तो अभी एक लग रही है, लेकिन जब किसी को पता नहीं था तो इतनी सी बात बताना भी बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है ना, जैसे बात करते हैं कि सुई, तो सर सुई क्या करती है, तो सर कपड़ों के सिलने का काम करती है, तो सर इतनी छोटी सी सुई, लेकिन उसका भी आविष्कार हुआ है, और जिसने भी इसकी खोज की है बहुत बड़ा महान वैज्ञानिक माना जाएगा। वो भी क्यों, क्योंकि जब इसकी जानकारी नहीं थी उस टाइम ऐसी बात करना, ऐसी बात बताना, तो छोटी मोटी बात थोड़ी होती है। इसीलिए महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और कात्यायन ने बताया है कि पदार्थ जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो मिलकर पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बताया था। क्लियर, विनोद जी नायक आपका वही सेंटेंस कण कण में है, राम कण, अच्छा कणाद ने कहा था, बिल्कुल सही है, इन्होंने कहा था। और अभी भी कहते हैं कि कण कण में ईश्वर है। ईश्वर क्या है, वो ईश्वर भौतिक, देखिए एक प्रकार से जो अगर ईश्वर की अपन बात करते तो वो कुछ भी नहीं, एनर्जी है। क्या है, एक एनर्जी है जिसे अपन पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। ठीक है, वो अपने अंदर भी है, सभी लोगों के अंदर होती है। ठीक है ना, एक ओ किसका है पता नहीं है, लेकिन वो एक दुआ है कि मौके कहा ढूंढे रे बंदे, मोते तेरे पास में, ना में मंदिर ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में। ठीक है ना, तो ढूंढ सके तो ढूंढ ले, ऐसा कुछ आगे आता है आप पे आप में। ठीक है, तो वो वही सीन है कि जो अपना शरीर बना हुआ है वो भी सेल्स कोशिकाओं से बना हुआ है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। इस भौतिक संसार में जितनी भी चीजें हैं उनकी कोई ना कोई इकाई तो है, और उन्हीं इकाइयों से मिलकर वो सारी चीजें बनती है, और वो एक इकाई अलग रूप से, प्रमुख रूप से वो अलग से काम करती है, लेकिन जब वह सारी मिल जाती है तो एक अपना शरीर या एक भौतिक पदार्थ, कोई भी मैटर अपना तैयार हो जाता है। ठीक है, चलो उसके आगे बढ़े, फिर अपन कहाँ चले गए, पदार्थ, फिर अपन चले पदार्थ की अवस्थाओं पे। ठीक है, पदार्थ की पांच अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। क्लियर, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ठीक है, दो अवस्थाओं को साइड में रख दो, तीन की बात कर रहे हैं, तो ये तो आपका रहा ठोस, ये आपका द्रव, और ये आपका गैस। ठीक है, बस ये डायग्राम अगर मैंने बनाया तो इसके सारे अभिलाक्षणिक गुण आपको याद हो गए। ठीक है, अभी भी बोल के बताऊंगा। ठीक है, देखिए हमको रटते नहीं है, रटना नहीं है, ना तो मैं रटाऊंगा, ना तो रटता हूँ ना रटाऊंगा। ठीक है ना, सिर्फ समझना है, बस ये डायग्राम माइंड में लेके आ जाना। ठोस, द्रव और गैस। अब ठोसों के अभिलाक्षणिक, हाँ साइंस वाले हैं इसीलिए, बिल्कुल साइंस वाले हैं इसीलिए रटते नहीं है भैया, रटना है, रटोगे कितना रट लोगे। ठीक है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है, इसलिए रटना नहीं, इतिहास थोड़ी पढ़ना है अपने को। हाँ चलो, ये रहा ठोस, ये रहा द्रव, और ये रहा गैस। तो सर कहाँ है, दिख रहा है ना, ठोस में क्या होता है, ठोसों के अभिलाक्षणिक गुण बताते हैं भी। ठोसों का जो है, ऊपर से नहीं बताऊंगा, नीचे से बताऊंगा। ठोसों का पहली बात, ठोसों का जो, कहाँ से शुरुआत करते हैं सर, पढ़ने जाते हो,
क्या सीखते हो? सर ए आ, बस वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ, ए आ आ। अब जिसने मेरे से क्लास ली है वही इसका मतलब बता सकता है कि ए आ आ क्या है, यही अपनी शुरुआत है, बाकी नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। तो ये ए आ क्या है? सर ये है अंतरा आणविक आकर्षण बल, ठीक है, अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठोसों के अंदर अतरा आणविक आकर्षण बल अधिक होता है, इनके कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, इसी कारण ये पास पास होते हैं। पहली बात अधिक हो गया, दूसरी बात पास पास होते हैं, तो पास पास होते हैं इनमें गैप कम होता है, यानी स्पेस कम होता है, और स्पेस कम होता है इसीलिए इनका घनत्व ज्यादा होता है, और घनत्व ज्यादा होता है और इसीलिए इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित हो गए, आकार आयतन सर निश्चित हो गए और ये फिक्स जगह में फिट हो गए, इसलिए इनमें संपीड्यता तो सर होती नहीं है। क्या नहीं होती है? संपीड्यता तो होती नहीं है। ये लो साहब, इसके सारे अभिलाक्षणिक गुण कंप्लीट हो गए सिर्फ एक डायग्राम से। और ए आ आस क्लियर है? अंतराण्विक आकर्षण बल, वेरी गुड खुशबू जी, अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, बिल्कुल। अब आप अंतराण्विक इतना लंबा याद नहीं करोगे, आप बोलोगे ए आ आ बल, ठीक है ना, हां शॉर्ट में। अब इसमें क्या होता है? इसमें सर अंतराणविक आकर्षण बल जो है ना वो सर इससे तो कम है और इससे ज्यादा है, यानी बीच वाला, समझ में ये बात, इससे तो कम है और इससे ज्यादा है, और इसी वजह से इनके अंदर जो अंतराणविक आकर्षण बल थोड़ा कम है, ठोस से थोड़ा कम, इसलिए इसे गैप भी क्या है, गैप है थोड़ा, ठीक है, इनमें स्पेस थोड़ा है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में ज्यादा है लेकिन इसकी तुलना में कम है, कसर और कसर इसमें थोड़ा गेम है, इसलिए इसका आयतन तो अपन निश्चित कर लेंगे लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इनमें गेम है तो हिलेंगे, और हिलेंगे ठोस में हिलते थोड़ी है, द्रव में हिलता है, पानी हिलता है कि नहीं हिलता है, तो पानी हिलेगा ठोस थोड़ी हिलेगा, इसलिए पानी हिल जाएगा तो उसका आकार निश्चित नहीं हो जाएगा, ये एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। बात करते संपीड़ता की, तो अपन दबाएंगे तो कंप्रेस हो जाएगा हल्का सा, ठीक है, बहुत इसमें तो बिल्कुल खत्म है संपीड़ता, इसमें थोड़ी बहुत है, क्लियर हो गया। घनत्व सर इससे घनत्व जो है ना इससे तो कम है, इससे ज्यादा है, दिख रहा है ये, और ये रहा आपका गैस, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले अंतराणविक आकर्षण बल, नगण्य न के बराबर, इनके कणों के मध्य आकर्षण बल न के बराबर होता है सर, बहुत कम होता है, ठीक है। और स्पेस अंतराणविक स्थान का सर बहुत ज्यादा होता है कणमोजियो सर। आयतन, आयतन भी इनका अनिश्चित होता है, ये आयतन इनका फिक्स नहीं है, अगर आप कमरे में थोड़ी सी भी गैस डालोगे पूरे कमरे में फैल जाएंगे, ठीक है, निश्चित थोड़ी है, और उसी थोड़ी सी गैस को एक बोतल में डालोगे तो भी पूरी बोतल में फैल जाएंगे, फिक्स थोड़ी कि नहीं सर, इतनी सी जगह लेंगे तो गिलास में ले रहे उतनी बोतल में लेंगे उतनी कमरे में, नहीं ये पूरे में ही फैल जाते हैं, ठीक है। इनमें विसरण की क्षमता अधिक पाई जाती है, फैलने की क्षमता अधिक पाई जाती है, ये भी फैलता है लेकिन इसकी तरह ये नहीं फैलता है, ठीक है ना, ध्यान रखना अपने को। संपीड़ता से सबसे अधिक पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इस प्रकार का मैटर है, एक मिनट में आपका एक क्लियर हो गया है, क्लियर। तो ये इसमें से अभिलाक्षणिक गुणों में से भी बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सी बार पूछे गए एग्जाम के अंदर। और फिर दो अवस्थाएं चली अपनी, प्लाज्मा, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो आज तक सिर्फ इतना सा नाम आया है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, सिर्फ ये है, पांचवी अवस्था आज तक पूछी नहीं, ठीक है ना, पांचवी सिर्फ चौथी अवस्था पूछी है, और चौथी अवस्था पूछी तो अपन इसके बारे में डिटेल भी थोड़ा सा पढ़ लिया कि जो चौथी अवस्था है अपनी उसका नाम क्या है, प्लाज्मा है, और ये एक आयनित अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है, आयनित अवस्था होती है, क्लियर हो गया। और उच्च तापमान पर गैसें आयनित हो जाती है, या इसकी जो खोज हुई थी वह खोज किसने की, कोई बता सकता है? चलो ये सवाल है, प्लाज्मा जो अवस्था है उसकी खोज किसने की, नामकरण तो मैंने, नाम किसने किया वो तो मैंने बताया था आपको, खोज किसने की प्लाज्मा की, जल्दी से बताइए, प्लाज्मा की खोज किसने की, क्रूक्स ने, विलियम क्रूक्स ने, वेरी गुड। सबसे पहले जवाब खुशबू जी वैष्णव, शशि कांता जी सेकंड नंबर पे, थर्ड कौन आ रहा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ, हाँ खुशबू जी वैष्णव, कौशल्या जी वैष्णव है तीसरे नंबर पे, बिल्कुल। देखिए जिसको आता है जल्दी जवाब दिया करो, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो इसका नामकरण किसने किया, देखो विलियम क्रूक्स ने एक चमकते हुए पदार्थ के रूप में इसको खोजा था, और इसका नामकरण कब हुआ, सॉरी नामकरण किसने किया बताइए जल्दी से, नामकरण किसने किया, नामकरण देखते कौन बाजी मारता है, पहला जवाब किसका रहे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए पहला जवाब किसका आता है, इसका नामकरण किसने किया, अरे ट्रिक बताई थी,
और बोल पहले बोला था हंसना नहीं है। हाँ इरविन लैम न्यूयर ने सर प्रियंका जी जाट में नामकरण की पूछ रहा हूं, नामकरण किसने किया इस अवस्था चमकते हुए पदार्थ को प्लाज्मा किसने कहा ये पूछ रहा हूं। हाँ इरविन लेक म्यूर ने इसका नामकरण किया था ठीक है। तो ये पूछने वाली जो चीजें हैं देखो वैसे डिटेल में इसके बारे में बहुत सारी जानकारी लेकिन अपने को इतना चर्चा इतना मैटर अपने को क्लियर अभी नहीं करना है ठीक है क्योंकि पूछने जाने मतलब नहीं पूछा जाता है सिर्फ इतना सा पूछा जाता है पदार्थ चौथी अवस्था कौन सी है लेकिन ये दो तीन चीजें फिर भी अपनी जानकारी में रहनी चाहिए। और एक चीज और मैंने पूछी थी पदार्थ इस संसार में इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे पदार्थ की कौन सी सर्वाधिक अवस्था कौन सी है तो अपना जवाब मैंने उस टाइम बताया था प्लाज्मा ठीक है। सर्वाधिक अवस्था कौन सी है प्लाज्मा ठीक है क्यों है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था क्लियर है। फिर अपन बात की थी हाँ ये भी ध्यान रखना है सर्वाधिक कौन सी अवस्था इस संसार के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी है कौन सा पदार्थ पाया जाता है तो प्लाज्मा पाया जाता है बिल्कुल सही है। सौरभ भी सोने थोड़ा लेट हो गया विलियम क्रूक्स वीडियो अगर आपका पीछे चल रहा है तो आप उसे बैक जाके वापस स्टार्ट कीजिए ठीक है। हाँ क्लियर है अब आगे बढ़ते हैं बीईसी की बात करते हैं बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बी से है सत्येंद्र नाथ बोस और ई से है आइंस्टीन और कंडेंसेट का मतलब होता है संगणित संगणित का मतलब संगणन समझ गए इकट्ठा करना ठीक है क्या होता है इकट्ठा करना क्लियर हो गया अपना मैटर इकट्ठा करना। अब फिर अपन आगे बढ़ते हैं तो सर ये जो अवस्था होती है कब प्राप्त होती है तो ये परम शून्य ताप पर गैस को ठीक है ना कोई भी गैस होती है उसका एक लाखवा भाग जब परम शून्य ताप पर संघनित किया जाता है तब हमें बीईसी प्राप्त होती है कौन प्राप्त होती है बीईसी प्राप्त होती है ठीक है। ध्यान रखना अपने को सत्येंद्र नाथ बोस जगदीश चंद्र बोस और सुभाष चंद्र बोस को याद नहीं रखना सत्येंद्र नाथ बोस याद रखना है ठीक है ध्यान रखना अपने को ये तो ही पदार्थ की अवस्थाएं ठीक है। फिर अपन देखा था पदार्थ के क्या देखिए अपन ने रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण देखा फिर अपन ने रासायनिक संगठन के आधार पर जो वर्गीकरण अपन ने देखा हाँ जीरो के परम शून्य ताप जीरो के बिल्कुल सही है भविष्यवाणी सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी प्रियंका जी बता रहे हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों को फिर दो भागों में बांटा गया वैसे जनरली ध्यान रखना है कभी अगर ऐसा आ जाए कि दो आपको ऑप्शन में ना मिले तो आप इसमें तीन बता सकते हो ठीक है। सर तीन कैसे कि बहुत से जो किताबों में डायरेक्ट डिवाइडेशन हो जाता है तत्व यौगिक और मिश्रण ये बाद में करते हैं अपन तत्व यौगिक शुद्ध का होता है शुद्ध का होता है लेकिन बहुत सी बार क्या होता है अपन क्या करते हैं कि अगर एग्जाम में अगर दो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है अपने को तो डायरेक्ट तीन डिवाइडेशन देख ले आप ठीक है तीन डिवाइडेशन भी मान्य होगा ठीक है ना। पदार्थ के रासायनिक संगठन के आधार पर तीन प्रकार कब जब दो नहीं हो ठीक है कब जब दो नहीं हो ध्यान रखना है अगर दो दे रखा है तो अपन दो पे ही चलेंगे शुद्ध और अशुद्ध और शुद्ध में आएंगे तत्व यौगिक और अशुद्ध में आएगा मिश्रण और मिश्रण का फिर अपना क्या चलेगा मिश्रण में अभी पढ़ा अपन ने थोड़े एक दो दिन पहले ठीक है समांगी और विषमांगी समांगी विषमांगी इसके अंदर अपन ने पढ़ा है तीन मीटर अपन ने पढ़े क्या पढ़ा है अपन ने धातु अधातु और उपधातु यौगिक ठीक है यौगिक क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था इसी के अंदर इसकी परिभाषा है ठीक है। तो देखिए यहां तक अपन ने कंप्लीट कर लिया फिर मैंने मिश्रण के बाद आपको बताया मिश्रण के पृथक्करण की विधियां बताई मिश्रण के पृथक्करण की विधियां बताई ठीक है ना। सबसे पहले बीनना छानना ठीक है ना निष्कर्ष विभेदीकरण भी कर देखो निथारना जो होती है निथारना जिसमें मैंने तेल और जल का विलयन बनाया था तेल और जल का विलयन बनाया था और एक कीप के अंदर डाला था पहले पानी पानी आ गया फिर मैंने जल को वही तेल को वही रोक दिया उसको विभेदी निष्कर्षण भी कहते हैं और निथारना भी कहते हैं ध्यान रखना है। एक विधि अपन ने ली क्रिस्टलीकरण जिसमें नमक का निर्माण होता है ठीक है नमक की खेती को लेगून कहा जाता है ठीक है। तो ये सारी विधियां आसवन प्रवाची आसवन उदरपातन चुंबकीय पृथक्करण ठीक है ये सारी विधि अपन ने नाम दिया लिया था कि कौन सी जगह किसका काम है आता है। और फिर मैंने आपको क्या क्लियर करवाया पदार्थ के भौतिक और रासायनिक
गुणधर्म है, वो क्या होते हैं आपके माइंड में अभी पढ़ा है, आ गया होगा क्लियर। तो ये आपका पहला टॉपिक पूरा क्लियर मैंने करवा दिया है पदार्थ, ठीक है। और अभी जो है ना आप इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जितने भी इसके क्वेश्चन हो, अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन हो कि जहाँ क्वेश्चन आए तो वो सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, अगर आपके पास में वो ऐसा ऑप्शन तो नहीं हो तो बहुत जल्द हम लेके आ रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। वहां सारे जो एग्जाम्स हुए हैं लगभग पीछे से साइंस के जो क्वेश्चन है वो हम लेके आएंगे आपके लिए, बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन आपका सहयोग रहा तो, अगर आप ऐसे सहयोग नहीं करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। आपका सहयोग इतना सा चाहिए कि जितने भी आपके मिलने वाले हैं सभी को ये चैनल सेंड करिए, शेयर करिए उन्हें। देखो अगर वो पढ़ने वाला हो या ना हो, कि जैसे आपके पापा जी का मोबाइल आपके हाथ में है, अब आप सोचे पापा जी क्या जरूरत है, लेकिन जरूरत पापा जी को नहीं है, ठीक है, जरूरत अपने इंस्टीट्यूट को है, ठीक है ना, और जरूरत आपको है। देखिए इसमें जितने ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब वीडियोस पे आएंगे, ठीक है, उतनी अपने को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जाएगी, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए आप। हाँ, तो जितने भी अपने मिलने वाले उनको शेयर किया करो, और जितने भी जहां जितने ऑप्शन आपको मिले सब्सक्राइब करने के, तो आप जितने भी मोबाइल आपके घर में है, मैं जो मानता हूं कि सबके घर में जैसे कि एक बच्चा पढ़ने वाला है और पांच अदरवाइज हैं, तो पांचों के पास एंड्रॉइड फोन होगा लेकिन पांचों के जो यूट्यूब पे अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा, ठीक है। तो इतना सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, जितना आप सब्सक्राइब करोगे हमारा मनोबल बढ़ाओगे, उतने हम आपके लिए बेटर से बेटर सुविधाएं आपके लिए लेकर आएंगे और अच्छे से अच्छे सुविधाएं लेके आएंगे, ठीक है। और टाइमिंग का जो मैटर होंगे हम आपका क्लियर करेंगे। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो नया है वो स्टार्ट हो रहा है और नाम है उसका परमाणु, ठीक है, ध्यान रखना है। सही मायने के अंदर में अब केमिस्ट्री के अंदर अपन एंटर कर रहे हैं। तो सर अब एंटर कर रहे हैं क्या? हाँ, केमिस्ट्री के अंदर तो अपन अब एंटर कर रहे थे, इतने दिन तो अपन ऊपर ऊपर ही उड़ रहे थे। उड़ने का मतलब थोड़ी बहुत जानकारी ले रहे थे, ये चीज लाएंगे अपन, ठीक है। डायरेक्ट ये मैटर उतार देता आपके सामने तो गड़बड़ हो जाती, ठीक है। बात करते हैं परमाणु, तो इसमें सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात में परमाणु क्या होता है ये अपन ने चर्चा कर ली, थोड़ी बहुत अपनी जानकारी में आ गई कि परमाणु जो है वो एक छोटी इकाई है। छोटी इकाई किसकी है? पदार्थ की है, ठीक है ना। ये तो नहीं कह दो कि सर हमारे सजीव के अंदर परमाणु पाया जाता है, सजीव के अंदर परमाणु, सजीव के अंदर कोशिका पाई जाती है, ठीक है, और निर्जीव जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर परमाणु पाए जाते हैं, सूक्ष्म इकाई होती है परमाणु। एक मैंने आपको ये भी समझाया था अणु, ठीक है, बहुत सी बात पूछा था, जैसे कि किसने पूछा था, शायद मेना जी ने पूछा था या अदरवाइज किसी ने पूछा हो, सर अणु और परमाणु का थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैंने समझाया था अणु और परमाणु क्या होता है, ठीक है। तो अणु में क्या होता है कि स्वतंत्र रह सकता है वो, लेकिन परमाणु जो है ना स्वतंत्र नहीं रह सकता है, ध्यान रखना है, और ये रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, ठीक है, रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, ये स्वतंत्र नहीं रह सकता है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि इसमें पूरे पदार्थ के, इसमें सिर्फ इसी तत्व के, इसी परमाणु के विशिष्ट गुण पाए जाएंगे, लेकिन अणु में क्या होते हैं, उस पदार्थ के विशिष्ट गुण पाए जाते हैं और वह रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन वह स्वतंत्र रह सकता है, लेकिन वह स्वतंत्र रह सकता है, ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो टॉपिक अपना स्टार्ट हो गया है, नाम है परमाणु, कहते हैं एटम, क्या कहते हैं? एटम कहते हैं भैया, ठीक है। हाँ, क्या है कौशल्या जी खुशबू, क्या साइंस में पढ़ा क्या आपने, क्या सर रवाकरण क्या होता है? हाँ खुशबू जी पूछ रहे, रवाकरण, सॉरी देख नहीं पाया मैं, हाँ रवाकरण, क्रिस्टलीकरण को ही रवाकरण कहा जाता है, ध्यान रखना है। क्रिस्टलीकरण जो विधि होती है ना, क्रिस्टलीकरण, नमक जो अपन ने बनाया है या चाशनी के जो अपन ने क्रिस्टल बनाए हैं वही रवाकरण है। आप रवाकरण का थोड़ा इंग्लिश मीनिंग देखिए, उधर लिखा हुआ होगा, ठीक है, जो किताब है ना, चलो किताब बता देता हूँ मैं, ये दो पेज है, ठीक है, ये दो पेज है, इसमें से इस पेज पे इस जगह यहाँ तो लिखा है रवाकरण, यहाँ लिखा है ब्रैकेट में क्रिस्टलीन, क्रिस्टलीन, ठीक है, क्रिस्टलिकेशन, यहाँ ठीक है, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। हाँ, जिस किताब में शायद मैंने देखा तो वहां तो वही है, और आप देख लेना, क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है रवाकरण। सौरभ जी सोनी, एनसीआरटी की किताबें देखा करो आप, ठीक है, वहां क्रिस्टलीकरण को रवाकरण कहा गया है एनसीआरटी, और बुक में बता देता हूँ आपको, नाइन्थ की बुक है ये एनसीआरटी, वहां से आपने नाम पूछा है, और लेसन है इसके अंदर, ये फर्स्ट लेसन है, ठीक है, फर्स्ट लेसन नहीं, सेकंड लेसन है, फर्स्ट लेसन तो उसमें क्या होता है, परिचय है, वैज्ञानिकों का परिचय, सेकंड लेसन है जिसमें पदार्थ है उसके अंदर सारा ये मैटर जो मैंने आपको क्लियर करवाया था वो सारा मैटर उसमें दिया गया है, ठीक है, देख लीजिएगा। बात करते हैं परमाणु की,
तो परमाणु क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, लेकिन अब किस किस ने ये बताया उसकी बात कर देते हैं। मैंने दो नाम तो आपको बता दिए, कौन कौन से बता दिए, एक तो मैंने चर्चा कर ली, जो चीज की चर्चा कर ली वापस करूं अच्छा नहीं लगेगा, एक अपन ने चर्चा कर ली, किसके बारे में चर्चा कर ली बता दीजिए, कणाद के बारे में मैंने बता दिया आपको, दुर्गा जी क्या बात है बिल्कुल, हाँ क्या बात है, क्या कुछ नहीं बात तो कुछ नहीं। हाँ तो पहली बात तो ये है कि महर्षि कणाद के बारे में अपन चर्चा कर ली, कात्यायन के बारे में अपने चर्चा कर ली, दोनों की डिटेल वापस नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, दोनों की थोड़ी डिटेल नहीं बता रहा हूँ, उन्होंने क्या कहा कब कहा वो अपने समझ लिया, ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया किसने कहा था, कभी आ जाए कि और ये जो परमाणु नाम है ना परमाणु, क्योंकि ग्रीक भाषा में तो आपको एटम मिलेगा, ठीक है ना, परमाणु नाम ध्यान रखना है, किसने दिया है परमाणु नाम दिया है अपने महर्षि कणाद ने, किसने दिया है परमाणु, जो नाम दिया गया है वो हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, परम अणु जो है महर्षि कणाद ने ही दिया है, किसने दिया है महर्षि कणाद ने ही दिया है, और इसको कहा जाता है अविभाज्य कण, क्या कहा जाता है अविभाज्य कण, ठीक है ध्यान रखना है। प्रियंका जी, खुशबू जी, वैष्णव, अच्छा मिल गया आपको आंसर, खुशबू जी आपने पूछा था दवाकरण, हाँ तो महर्षि कणाद ने ही परमाणु नाम दिया है, ठीक है, अगर सर एटम किसने कहा है तो ध्यान रखना है, दो नाम और बता रहा हूं, ये ग्रीक है, ग्रीक दार्शनिक है, जब अपने कात्यायन और ये अपने महर्षि कणाद ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, कण अविभाज्य होता है, इसको अपन अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जब इन्होंने बताई इसी टाइम लगभग 400 ईस्वी पूर्व, क्योंकि 500 ईस्वी पूर्व अपने महर्षि कणाद थे, और लगभग 400 ईस्वी पूर्व 400 से 370, ठीक है, दो ग्रीक दार्शनिक थे, एक का नाम था डेमोक्रिटस, क्या नाम था डेमोक्रिटस, और एक है लुई लिपस, डेमोक्रिटस और लुई लिपस ने भी यही परिभाषा दी, सेम एज इट इज परिभाषा दी, लेकिन उन्होंने उनकी भाषा में उसे क्या कहा एटम, क्या कहा एटम कहा है, ठीक है, क्या कहा है एटम, एटम, ठीक है, ए कैन नॉट, ठीक है, टम ग्रीक भाषा में होता है कट, ठीक है, ये वर्ड उन्होंने बताया, ए यानी कैन नॉट और टम का मतलब होगा कट, यानी जिसे अपन काट नहीं सकते हैं, फिर उन्होंने बनाया एटम, क्या बना दिया एटम्स, ठीक है, यानी नाम क्या दिया परमाणु, किन्होंने दिया कब दिया, क्लियर, कौन है बंदे भैया, ये दो बंदे डेमोक्रेटस कट क्रेटस डेमो दे रहे हैं अपन, तो क्या दे रहे हैं डेमो दे रहे हैं, किसका परमाणु का डेमो दे रहे हैं, कौन दे रहा है, काट के दे रहे हैं, तो एटम कट के आ रहा है डेमोक्रेटस, ठीक है, और लुई लिपस आप याद रख लेना, ठीक है, कोई ट्रिक देखिए कहीं बना नहीं बनाता हूं मैं, बस ये ऑटोमेटिक बन जाती है, कट क्रेटस डेमो किसका दे रहे हैं परमाणु का, ठीक है, तो परमाणु को एटम किसने कहा डेमोक्रेटस ने, ठीक है, ये जो नाम है कहां से है लुई लिपस, ये थोड़ा देखो पूछा नहीं जाता है लेकिन जानकारी होना जरूरी है, दोनों ही क्या है ग्रीक दार्शनिक है, ठीक है, ग्रीक दार्शनिक है। अब जितना भी मैं अभी बात कर रहा हूं अपने कणाद की कात्यायन की, एक और है अपने पकुदा नाम से एक और थे अपने, उन्होंने भी यही सेम चीज बताई थी कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ऐसा ही अविभाज्य होता है और इससे अपने ये मूल इकाई होता है, ऐसी दो चार बातें उन्होंने कही थी, पकुदा कणाद सबसे पहले कहते हैं उसके बाद और पकुदा उसका फिर ध्यान रखना है, इधर डेमोक्रेटिक दार्शनिक जो है डेमोक्रिटस और लुई लिपस, ठीक है, अगर शताब्दी पूछ ले तो थोड़ा ये ध्यान रख लेना, बाकी इतना नहीं पूछते हैं, जानकारी में आप इसको रखिए, चलो तो लेकिन ये सारा जो मैटर मैंने आपको बताया अभी अपने कणाद का और ये सभी दर्शन पर आधारित थे, इस पर आधारित थे, दर्शन का मतलब वही आप किसी भी चीज के बारे में मनन ही मनन करते हो और फिर आपको उस चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ठीक है, लेकिन आप उस चीज को एक्सप्लेन तो कर सकते हो बोल के, लेकिन ऑथेंटिक रूप से आपको, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ना एक पेन, मतलब एक इस प्रकार का एक हो सकता है, कोई भी ऑप्शन हो सकता है, कोई भी इस प्रकार की डंडी हो सकती है जिससे मैं उसको नुकीला करके मैं लिख सकता हूँ, अब मेरे माइंड में तो है ये चीजें, ठीक है, जैसे मैं पेन की चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसका मॉडल प्रतिरूप दिखाया नहीं कि ये देखो इस प्रकार का ये होता है, इस प्रकार का ये होता है, ऐसा मैटर परमाणु के बारे में इन्होंने नहीं बताया था, इन्होंने सिर्फ क्या वाक्य कहे थे,
ठीक है, एक मॉडल इन्होंने नहीं दिया था, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात आती है, हाँ डाल्टन ने क्या किया, वही बात कर रहा हूँ, डाल्टन ने क्या किया है, इन्होंने परमाणु के बारे में जो है ना दर्शन के आधार पर सिर्फ भाषणबाजी, मतलब कि केवल बताया है कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, या उसको अपने ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन डाल्टन ने जो है सबसे पहला परमाणु सिद्धांत दिया है। परमाणु सिद्धांत की जब बात आ जाए, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया है, लैंग्वेज लाइन सुन ले मेरी, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है, अब आप जो कह रहे हो कौशल्या जी डाल्टन, तो डाल्टन ने दिया है। चलो तो ये आपका क्लियर है, किस पे आधारित है, दर्शन पे। दो नाम कणाद कात्यायन पकुदा, दो नाम डेमोक्रिटस लुई लिपस 430 और ग्रीक है ये, इन्होंने क्या कहा, एंड नॉट कट ए कैन नॉट, टर्म का मतलब कट और बन गया एटम, ठीक है, यानी कि अविभाज्य कण, ठीक है। अब आप इसको अपने हिसाब से अपनी कॉपी में लिख लेना नोट के अनुसार। चलो अब अपन चलते हैं कि सर ये सैद्धांतिक रूप से कब सामने आया, या जो किताबों में हम पढ़ते हैं वो का सीन कब आया, ध्यान रखना है अपने को, किसने बताया, क्यों बताया। तो सबसे पहले बात करते हैं परमाणु का जो सैद्धांतिक मॉडल प्रस्तुत किया है वो किया है जॉन डाल्टन ने, ठीक है ना। परमाणु, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत जो है किसने दिया है, जॉन डाल्टन ने। हाँ, सन 1808 में सर जॉन डाल्टन ने प्रथम परमाणु सिद्धांत दिया। प्रथम मतलब द्वितीय नहीं है, सर्वप्रथम की बात कर रहा हूं, सबसे पहले किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। प्रस्तुत किया गया, सर जॉन डाल्टन ने 1808 में परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है। लेकिन सर प्रस्तुत किया तो सर प्रस्तुत तो वो भी कर रहे थे, बता तो वो भी रहे थे, हाँ, लेकिन इन्होंने कुछ अलग से चीजें बताई है। वो चीजें क्या बताई है, इन्होंने जो परमाणु सिद्धांत दिया उसका इन्होंने कोई ना कोई बेस बनाया, ठीक है ना, और प्रैक्टिकली इन्होंने ये चीजें करके बताई कि ऐसा होता है। अब इन्होंने क्या बताया, या इस सिद्धांत, ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया ना उसका बेस आधार क्या बनाया, ठीक है। तो उन्होंने क्या बनाया, ध्यान रखना है दो तीन चीजें नोट करनी इसमें, ठीक है। परमाणु जो होते ना, इन्होंने सिद्धांत किस आधार पे दिया है, तो रासायनिक संयोजन, परमाणु के रासायनिक संयोजन निश्चित अनुपात, परमाणु का निश्चित अनुपात, किसी भी यौगिक में जो अणु परमाणु जो होते हैं निश्चित अनुपात में होते हैं ना, तो एक तो रासायनिक संयोजन, एक निश्चित अनुपात, और एक और इन्होंने बेस बनाया, एक और नियम इसने लिया, तीन नियम लिए, एक तो रासायनिक संयोजन का नियम लिया, रासायनिक संयोजन का नियम लिया इन्होंने, निश्चित अनुपात का नियम लिया, और कौन सा लिया, द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, तीन नियमों के आधार पर इन तीन नियमों को कंडक्ट करके फिर उन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। कब किया, 1808 में किया है, ठीक है, हाँ। और फिर इन्होंने कुछ बातें कही, वो बातें मैं अभी बताऊंगा, पहले ये चीज आप क्लियर कर लो बिल्कुल सीधा सा। पहला सवाल तो इसमें ये बनता है, सर्वप्रथम परमाणु मॉडल या परमाणु का सिद्धांत, मॉडल नहीं परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, मॉडल में अलग बंदा आ जाएगा। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो सर जॉन डाल्टन ने किया। कब किया, तो सर 1808 में किया। वह जो सिद्धांत था किन नियमों पर आधारित था, किन, जब किन आ जाए तो बोलो तीन, कितने बोलोगे, तीन, किन नियमों पर आधारित था, तो सर तीन नियमों पर आधारित था, ठीक है, तीन नियमों पर। ये जो क्या है, इसको हटा दो, तीन को ये इधर ले लो, ठीक है, मात्रा को ना पकड़े, तीन में तीन भी आ रही है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अपन किसी को उल्टा सीधा कर सकते हैं, साइंस वाले हैं ना, इसलिए घुमा सकते हैं, रिएक्शन उल्टी करवा सकते हैं, रिजल्ट गलत आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो किन नियमों पर आधारित था, तो सर
तीन नियमों पर आधारित था। तीन नियम कौन कौन से है? पहला तो रासायनिक संयोजन का नियम, ठीक है, इसका मॉडल था रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। दूसरी बात का सर निश्चित अनुपात का नियम भी इसने इसके आधार पर इन्होंने मॉडल बनाया। तीन नियम उसमें देखे गए थे उस मॉडल पर। इस सिद्धांत के अंदर तीन चीजें उन्होंने बताई थी कि प्रत्येक जो परमाणु होता है वो क्या होता है, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो तीन नियम थे, तीन नियमों के आधार पर उन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। पहला रासायनिक संयोजन का नियम, ठीक है, जब भी कोई पदार्थ बनता है तो उसमें रासायनिक संयोजन होता है। निश्चित अनुपात का नियम, कोई भी पदार्थ बनता है यौगिक है मिश्रण कुछ भी होता है, यौगिक की बात करते हैं, कोई पदार्थ बना हुआ है जैसे अपने सामने कोई भी चीज चीनी कोई भी है तो उसमें कोई ना कोई निश्चित अनुपात होता है। और दूसरी बात द्रव्यमान संरक्षण, रिएक्शन से पहले रिएक्शन के पश्चात द्रव्यमान निश्चित रहता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है भैया संसार में जितनी भी चीजें ना, जो आज के 1 लाख कितने साल पहले की बात कर लो, धरती पे जितनी थी ना आज उतनी है, ठीक है। तो नहीं सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, हम देख रहे हैं कि विजयनगर में पहले इतने घर नहीं थे या इधर आसपास इतने पॉपुलेशन नहीं थी, वो कहां से आ गई? तो भैया कोई दूसरे ग्रह से आ गई क्या? जल्दी से बताओ, कोई दूसरे ग्रह से आ गई क्या? नहीं सर, पहले जनसंख्या तो इतनी थी नहीं, अब कहां से आ गई, कहां से आ गई? तो भैया ये तो जहां से वहीं से पता चलेगा, मैं तो समझा देता हूँ। पहले आदमी का वजन जो है, पहले आदमी का वजन 100-100 किलो होता था, आयु 100-100 साल होती थी, आजकल आदमी का वजन इसका डिवाइडेशन कर दो 50-50 होने लग गया। अब जब इधर 50-50 हो गया तो दो देने पड़ेंगे ना भैया, ठीक है, आयु 50-50 करती, ठीक है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, पहले आदमी ठीक है खाना खाते थे बहुत ज्यादा, आजकल हो गया आधा आधा, ठीक है, इसलिए द्रव्यमान तो जितना है उतना ही रहेगा। मैं बहुत सी बार बातें करता रहता हूँ सर्किल सर्किल सर्किल, सर्किल क्या है, ये सर्किल क्या है, ये सर्किल वही तो है भाई, जितना है उतना ही रहेगा, जाएगा तो जाएगा कहाँ बताओ मेरे को, कहाँ जाएगा और आएगा तो कहाँ से आएगा? धरती के बाहर से तो जाने से रहा और धरती के बाहर से आने से रहा है तो धरती पे ही। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? अरे भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जितना है सर यहीं पर है। हाँ ये हो सकता है कि भाई स्थान विशेष पर कम ज्यादा हो जाए, बाकी है यही के यही, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं अपने को, ठीक, घबराना नहीं है। तो उसको समझ में आ गया कौशल्या जी, बिल्कुल समझ में आ गया है, और प्रियंका जी आपको समझ में आ ही गया होगा। हाँ और शशिकांत जी आज ब्लैक कलर है इसीलिए महेश जी की नजर नहीं लगी, बिल्कुल सही है, आज ब्लैक कलर है इसलिए महेश जी सर की नजर नहीं लगी, महेश सर भी प्रेजेंट नहीं यहाँ पे इसीलिए शायद अपना कार्यक्रम चल रहा है। चलो आगे बढ़ रहे हैं कार्यक्रम को, तो यहाँ क्लियर हो गया। तो सर एक चीज और याद करो ना, कौन सी, ये वाली, ये भी याद करवा दें, पहला परमाणु सिद्धांत किसने दिया? सर जॉन डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने दिया। किन नियमों पर आधारित, तो किन, जब भी किन आ जाए तो बोलो तीन, कितने, तीन, पहला रासायनिक संयोजन, निश्चित अनुपात और द्रव्यमान संरक्षण, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण। इसको याद करवा लो, याद करवा दो कोई बात नहीं, किसी कोई भी मिठाई है, मिठाई है ठीक है, या नमक की बात कर लेता हूँ, नमक है, नमक अपन खाते हैं ना, वो वाला नमक, सूत्र याद होगा आपको, हाँ ये लिखना सब याद होना चाहिए, आप केमिस्ट्री ग्राफ पढ़ रहे हो तो, ठीक है, NaCl, तो ये रासायनिक संयोजन ही तो है, ये क्या है, ये पदार्थ है, पदार्थ है ठीक है, लेकिन परमाणु नहीं है, परमाणु Na का अलग होगा और Cl का अलग होगा, पदार्थ में ही परमाणु, आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोई पदार्थ है, इसको अपन खा रहे हैं, इसमें रासायनिक संयोजन है, अभी तो ये Na और Cl, ठीक है ना, ये जुड़ गए, एक परमाणु दोनों मिल गए, क्या बन गया, NaCl का एक अणु बन गया, ठीक है, एक अणु बन गया। अब सर ये परमाणु है ना दोनों अलग अलग, इनमें रासायनिक संयोजन हो गया, ठीक है, बॉन्डिंग इनकी हो गई, तो ये क्या बन गया, कोई भी रासायनिक पदार्थ बन गया, नमक बन गया। सर इनमें एक निश्चित अनुपात भी है, अनुपात है बिल्कुल, एक अनुपात है, दोनों एक एक, तो एक अनुपात एक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक चीज बताओ, आपकी थाली में आपने जो नमक डाला, किसमें, आपके सब्जी में डाला, रोटी में डाला, ठीक है, और वही नमक जब आप खाओगे उसको डालने से पहले, और खाओगे ज्यादा डालोगे तो ज्यादा ही आएगा आपको टेस्ट, और कम डालोगे टेस्ट कम आएगा, निश्चित है कि नहीं है, उसका द्रव्यमान उसका टेस्ट सारा मैटर निश्चित है कि नहीं है, है, क्लियर हो गया आपको। हाँ सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा हूँ, ये चीजें आपको याद होगी क्या, कितने नियम, तीन, क्या, तो याद रख लेना NaCl, NaCl में क्या है सर, रासायनिक संयोजन है, निश्चित अनुपात है, और जब
डालते हैं और जब खाते हैं तब उसका द्रव्यमान भी निश्चित, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान भी स्थायी रहता है, संरक्षित रहता है। तो तीनों चीजें अपने को याद हो जाएगी। क्लियर तो सर, बस ये क्लियर करवा दो, ठीक है, बिल्कुल ये क्लियर करवा देते हैं। किसका सिद्धांत दिया इसने, डाल्टन ने किसका सिद्धांत दिया सर, परमाणु का, परमाणु का सिद्धांत दिया है। और किसने दिया, किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। तो पहला इसने दिया कहा सर, प्रथम इसने दिया, प्रथम दिया तो प्रथम लिखो ना, एक नंबर लिखो। और क्या दिया सर, परमाणु का सिद्धांत दिया, क्या दिया, परमाणु का सिद्धांत। तो परमाणु कैसा है मुझे बताओ, आकार कैसा होता है इसका, आकार कैसा होता है जल्दी से बताओ, परमाणु का आकार कैसा होता है, गोल मटोल होता है। बस प्रथम सिद्धांत दिया, कब दिया, अब वो पता नहीं कब दिया, बस आपको गोल मटोल बनाते छोटे बड़े, ठीक है, छोटे बड़े गोल मटोल बनाते ऑटोमेटिक आपका समझ में। क्लियर है, हाँ, गोल तो मैंने लिख दिया ना, बिल्कुल गोल गोल, एक दो तीन चार पांच, यही अलग है क्या, यही अलग है क्या, नहीं है ना, याद हो गया, हाँ, दुनिया ही गोल है, सब गोल है, इसलिए ये भी गोल गोल ही है। क्लियर है, तो ये तो सब क्लियर हो गया, ये तीन नियम क्लियर हो गए। अब इसने कहा क्या, इसने जब सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का रिजल्ट क्या बनाया, ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला है। तो निष्कर्ष अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला है, निष्कर्ष मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जो शायद लेखराज जी सर आज की लिए काफी है। अच्छा लेखराज जी आपकी बस हो गया, आपका नेट खत्म। देखिए जिस फॉर्म में भी प्रेजेंट में खड़ा हूँ उस फॉर्म में मुझे भी पता नहीं कि वापस आऊंगा कब आऊंगा इस फॉर्म में, ठीक है, रेलगाड़ी मैंने बोला था चल रहेगी तो रुकेगी नहीं, सोच लेना ये बात, ठीक है। हाँ देखिए लेखराज जी, अगर आपके पास अगर टाइम अगर कुछ काम है आपके, कोई बात नहीं, आप वीडियो बाद में देख लीजिएगा, लेकिन बाकी जो बच्चे जुड़े हुए हैं अगर वो भी कहते हैं कि सर ठीक है तो मैं रुक जाऊंगा, और बाकी आपके पास फैसिलिटी है, ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, आपके पास फैसिलिटी है क्या है कि आप इसको बाद में देख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं पटरी से उतर गया वापस चलने में टाइम लगेगा ना, इसीलिए चलो ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इसके जो नियम है ना, इन्होंने नियम तो बता दिए कि किस नियम पे आधारित था, अब इन्होंने क्या निष्कर्ष क्या निकाला और निष्कर्ष बाकी है, निष्कर्ष बाकी, चलो कमेंट बता दीजिए जल्दी, ये कंटिन्यू रखें। हाँ कंटिन्यू रहिए, बिल्कुल चलो। तो निष्कर्ष क्या है वो निष्कर्ष बता देता हूं। निष्कर्ष वही है जो आगे वालों ने बताया था, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने ध्यान रखना है कि इन्होंने के एक तो तीन नियम बिल्कुल याद रखने हैं कि बहुत सी बार पूछा गया है कि डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया वो किन नियमों के आधार पर दिया, ठीक है, या केवल नियम दे देगा या नियम पूछ लेगा किस नियम के आधार पर डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। तो तीन नियम है, जबकि ना जाए तो तीन याद आ जाना चाहिए, तीन आ जाए तो नमक को याद कर लेना। चलो आगे बढ़े, हाँ पढ़ाते हैं बिल्कुल। तो इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, जॉन डाल्टन ने निष्कर्ष क्या निकाला, देखिए आप, जॉन डाल्टन ने सबसे पहले बात तो ये कही निष्कर्ष निकाल के कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य कण है। परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है, सर सबने कहा है, तो जो सब कहेंगे शुरुआत तो वही से करेगा ये भी। ठीक है, परमाणु जो होता है वह पदार्थ का अविभाज्य और मूल कण होता है, ठीक है, यानी मेन जो आपकी जड़ है पदार्थ की वो यही होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, परमाणु का या परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। ये बात उसने कही, एक बात और कही उसने, प्रत्येक तत्व के परमाणु समान होते, समझ में आई बात, प्रत्येक तत्व की, देखो अभी तक आपको जो भी जानकारी दे रहा हूं मैं, उसमें से एक तो ये ध्यान रखना है, यहां एक नियम लग रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लग रहा है,
है ना। देखो ना तो नष्ट कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, वो जो चीज रहेगी वो निश्चित रहेगी। ना तो अपन उसको बना सकते हैं, आप किसी भी परमाणु को जो है ना तो नष्ट कर सकते हो, अरे कितना काटोगे, काट लो नष्ट करो, हटाओ, मिटाओगे लास्ट में यही तो बचेगा, उसको मिटाओगे तो भी कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, खत्म नहीं कर सकते आप इसको, ठीक है, और ना ही आप बना सकते हो, ठीक है। इसलिए तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पर लागू हो रहा है। अगली बात, प्रत्येक तत्व के परमाणु समान होते हैं। एक बात और यहाँ पे आई, भिन्न, इसने निष्कर्ष निकाला ये, भिन्न 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 तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ध्यान रखना है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, इसीलिए तो वो एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, उनकी प्रकृति अलग अलग होती है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं और इसी कारण की जो प्रकृति होती है वह अलग अलग होती है। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? देखो कोई लाइन समझ में नहीं आया तो बोल देना, ठीक है, वैसे मैं बोल रहा हूं और समझा दूंगा आपको। और उसने क्या कहा, एक बात और कही उसने, कोई भी या फिर प्रत्येक पदार्थ में रासायनिक संयोजन में परमाणु पूर्ण संख्या में भाग लेते हैं, हाँ थोड़ा ये आपको कम क्लियर होगा, मैं क्लियर कर देता हूं, ये तो समझ में आ गया, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न हो गए, इसी कारण तत्व भी भिन्न भिन्न प्रकृति होती है, उनके गुण अलग अलग होते हैं, गुण चेंज है तभी तो अलग होता है, वरना सारे का सब लोहा ही लोहा है, सब सोना ही सोना है, चांदी चांदी है, पानी पानी है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो उनके परमाणु भिन्न है इसलिए उनकी प्रकृति भी भिन्न है। लास्ट का, बिल्कुल लास्ट का समझा रहा हूं, प्रत्येक पदार्थ में रासायनिक संयोजन में परमाणु पूर्ण संख्या में भाग लेते हैं। अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, समझ रहे हो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे मैं नमक की बात करता हूं, तो इन रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु भाग लेंगे, ठीक है, परमाणु भाग लेंगे वह पूर्ण संख्या में होंगे, परमाणु पूर्ण संख्या में होंगे, पूर्ण संख्या का मतलब हो गया पूरा, यानी कि सर एक दो तीन ये तो पूर्ण संख्या हो गई, तो सर अपूर्ण संख्या है, तो वैसा मैंने बोला डेढ़ है, साढ़े तीन है, साढ़े चार है, पौने पांच है, तो ऐसा काम नहीं चलेगा, वहां पूर्ण होगा, क्योंकि परमाणु का कोई आधा परमाणु तो होता नहीं, किसी ने देखा कि आधा परमाणु का, सर आधा परमाणु आ गया, इसके अंदर आधा परमाणु हो गया, ऐसा नहीं होता है, अणु हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज कोई और चीज हो सकती है, लेकिन कभी परमाणु आधा नहीं होता है, ये बात समझ में आ गई, परमाणु आधा नहीं होता है, इसीलिए जब भी रासायनिक संयोजन होता है तो ये जो परमाणु जो अलग अलग मिलते हैं किसी पदार्थ में रासायनिक संयोजन के दौरान, इनकी संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, क्या होती है, पूर्ण होती है, एक दो तीन चार पांच कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी ये नहीं हो सकता है कि सर एक है डेढ़, एक हो सकता डेढ़ है, ढाई है, साढ़े तीन, ऐसा नहीं होगा, रासायनिक संयोजन में हमेशा पूर्ण संख्या होगी। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया क्या खुशबू जी वैष्णव, कौशल्य जी वैष्णव, क्लियर हो गया? पूर्ण संख्या पर जोर देना है, पूर्ण संख्या में ये परमाणु मिलेंगे तभी रासायनिक संयोजन होगा, ये आधा पाव पूर्ण नहीं होगा। क्लियर हो गया? अपनी भाषा में समझा रहा हूं, वैसे आप किताब में समझोगे तीन बार तो इसको देखोगे कहना क्या चाह रहा है, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक दो तीन चार ही चलेगा यहाँ पर, आधा पाव तीन पाव, ठीक है, डेढ़ ढाई नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं, आधा परमाणु अपन ने देखा ही नहीं, ढाई बनाना है तो भी दो पूरे, एक आधा लेना है, आधे का अस्तित्व ही नहीं है, आधे का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, क्लियर। हाँ एक और है इसके अंदर, एक नियम और है, अब यहां से आपको थोड़ा अलग लगा होगा, एक ये अलग लगा आपको, अक्सर ये तो जानते हैं, ये अलग लगा, एक और अलग है, यहां लिख रहा हूं, ये इसी के नियम है, प्रत्येक नया पदार्थ रासायनिक
संयोजन, वियोजन, संयोजन वियोजन या ये चीज इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे हैं? देखिए आप, प्रत्येक नया पदार्थ जो होता है कैसे बनता है, तो उसमें तीन एक्टिविटी, तीन में से एक एक्टिविटी होगी तभी बनेगा, ठीक है। तीन से चौथी चीज नहीं होगी, ठीक है। क्या हो सकता है? या तो जो रिएक्शन हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही, नया पदार्थ कब बनता है? रासायनिक अभिक्रिया में बनता है ना, ठीक है। जब रासायनिक या रासायनिक परिवर्तन जब होता है, पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तभी नया पदार्थ बनता है, वो स्थायी हो जाता है। अभी पढ़ाया जस्ट अपने पीछे, तो रासायनिक जब भी परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है सही में? या तो होता है संयोजन। क्या होता है? संयोजन, यानी या तो क्या होता है, दो जो भी तत्वों के परमाणु अलग अलग है वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। किसी भी रूप से वो तत्व, अलग अलग तत्वों के परमाणु वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। या जो जुड़े हुए हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो नष्ट तो होने से रहे, क्या होने से? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कुछ नहीं हो सकता है, खत्म नहीं हो सकते, इसलिए वो नष्ट तो होने से रहे। या तो वो जुड़ जाएंगे, या वो अलग हो जाएंगे, या वो एडजस्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एडजस्ट हो जाएंगे। सेम एज इट इज, देखिए आप C+O2, ये तो हो गया संयोजन। अभिक्रिया पढ़ाऊंगा आपको मैं, अभिक्रिया पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा क्या होता है संयोजन या संयोजन अभिक्रिया। एक होता है वियोजन, ठीक है। जल का विद्युत अपघटन करवाते हैं अपन, ठीक है। ये हो जाएगा H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए क्या हो गया, ये क्या हो गया? वियोजन हो गया, अलग अलग पदार्थ बन गए, ठीक है। ये द्रव अवस्था में था, दोनों गैस अवस्था में। एक और सर, पुनर्विन्यास क्या होता है? पुनर्विन्यास देखिए, एडजस्ट होना, इधर उधर ट्रांसफर होना, इसे अपन विस्थापन अभिक्रिया के थ्रू भी समझ सकते हैं, ठीक है। मैं CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन लेता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर लोहे की कील डालता हूँ Fe, तो क्या हो जाता है? ये बन जाता है FeSO4। क्या बन जाता है? FeSO4, और कॉपर अलग हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना अपने को, ये रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। देखो ये क्या क्या पुनर्विन्यास हो गया, पुनः विन्यास, वापस विस्थापित हो गया, CU की जगह Fe आ गया और Fe की जगह CU आ गया। तो नया जो पदार्थ बनता है, नया जो पदार्थ बनता है उसमें या तो क्या हो जाएगा, अरे संयोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजन, या फिर क्या हो जाएगा? वियोजन हो गया, या फिर क्या हो जाएगा? पुनर्विन्यास हो जाएगा। तो ये कुछ नियम इन्होंने बताए, जॉन डाल्टन ने, अपने एक जॉन सर है ना, जॉनसन, जानते हो? हाँ, उसी प्रकार जॉन डाल्टन भी है यहाँ पे। कौन है? जॉन डाल्टन भी है, ठीक है। जानते हो क्या? जानते हो, ठीक है। नहीं जानते हो तो आपको पता होगा, कायरतर संदेश के अंदर अपने वंदे मातरम का कुछ टाइटल आया है, मैटर आया है, उसके अंदर देखना। एक तो अपने जॉन सर हैं और अपने प्रियंका जी का फोटो आया है, उन्होंने संवाद किया है कायरतर संदेश के अंदर, तो वहां समझ जाओगे जॉन कौन है। तो जॉन से जॉन डाल्टन, ठीक है, याद रखना अपने को, क्लियर। हाँ, समझ में आ गया सभी को? तो ये बेटा आज की अपनी जो क्लास है, मैं यही क्लियर करना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा लंबा टाइम हो गया है। वैसे मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बैठे हो सुबह से, क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ, आप सुबह से क्लास ले रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी। हाँ, टम स्वरूप जी थोड़ी है, शशि कांता जी राम स्वरूप जी है, राम स्वरूप जी है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही है, संतुलन नहीं है, संतुलित नहीं है अभिक्रिया। देखो मैंने अभिक्रिया बताई, मुझे पता है संतुलित नहीं है। चलो ये तो संतुलित होगी, ठीक है, ये नहीं है, ये लीजिए लगा दिया मैंने, ठीक है, क्लियर हो गया है। और इधर भी CuSO4 वाली संतुलित नहीं है, ये कर दी, ठीक है। जब अपन करेंगे इसको, बिल्कुल कर लेंगे अभिक्रिया, मेरा मकसद अभी क्या है, ये थोड़ा समझा, ये अपना ये मैटर समझा, ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को, ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर। और आप ये काम भूलना नहीं आपको, जितनी ज्यादा आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को, उतनी ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ से फैसिलिटी मिलती जाएगी, ठीक है, और अपना भी मनोबल बढ़ेगा। और अगर आप जितने व्यूवर्स होंगे यहाँ पे, जितने ज्यादा बच्चे देखेंगे तो पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। क्लास खाली रहती है तो अच्छा नहीं लगता है ना, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को जोड़े, यानी कि प्रसाद बट रहा है, अपन अकेले खा ले सारा, ठीक है, और दूसरों को नहीं देंगे। तो ध्यान रखना, ये प्रसाद जो है ना, ऐसा प्रसाद है, ये आप जितना
चाहो उतना ले सकते हो, मेरी तरफ से दे रहा हूं। अगर आप चार के पांच या पंद्रह बीस सौ भी हो जाओगे ना, तो भी आपको जितना मिलना हो तो आपको मिल रहा है, आपका डिवाइडेशन नहीं होगा। आपको जो प्रसाद मिल रहा है ना, ये जो ज्ञान मिल रहा है वो तो उतना मिलता ही रहेगा, और आपके आपकी तरफ से किसी और का भी भला हो जाएगा, तो आपको पुण्य और मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो पुण्य कमाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबको जोड़ते रहिए। ठीक है, सॉरी मेना जी टेलर, थैंक यू। लास्ट वाली प्रियाउल जाट, सी यू प्लस एसओ फोर एफ ई है। देखिए एफ ई का ट्रांसफर ये भी है कि एसओ फोर सेम एज इट इज कंडीशन में है। ठीक है, और बाकी और भी जो डाउट है, जो कह रहे थे सर लास्ट वाली बात बताऊं, ठीक है लास्ट वाली बात बताऊंगा तो वो डांटने वाली बात है, और मैं अभी डांटना नहीं चाहता हूं आपको। ठीक है, अभी मैं डांटना आपको नहीं चाहता हूं। ठीक है, हाँ याद है मुझे, लेकिन भी व्यूवर्स जो है ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं अभी बात नहीं करूंगा। जब पूरी क्लास अपनी भरी रहेगी और जब मुझे मूड रहेगा डांटने का, तब आपको डांटूंगा अच्छे से आपका लाइन भी लूंगा। क्लियर, धन्यवाद। Thank you.